हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, कोई भी टॉपिक होता है ना, तो अगर हमारे पास उसके रिवीजन फ्रेंडली नोट्स अवेलेबल हों तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे ना, इस तरह के अगर आपके पास रिवीजन फ्रेंडली मटेरियल होंगे तो काफ़ी आसानी से रिवीजन हो पाएगी एंड अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम के अंदर भी अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग, वैसे तो ये हमारे प्रारंभ कोर्स का पार्ट है, पर आज हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि देखिए, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एंड कहीं ना कहीं अगर हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम के अंदर हम काफी अच्छे मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर मटेरियल को डाउनलोड कर लिया है, बहुत अच्छे। अगर जिन्होंने नहीं किया है, मैं नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, आप वहां पर जाकर इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बना सकते हो। ये कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। अब आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक मनी एंड बैंकिंग के साथ। अगर मैं आपको ना एक तरह से एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में अगर आपको समझाऊं, तो सबसे पहले देखो बार्टर सिस्टम था। अब आप जानते होंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपके पास टमाटो है और सामने आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मान लीजिए आपको कोई और, जैसे मान लो कोई ना पर्टिकुलर पर्सन है, वो कोई और तरह से मान लो टेलीविजन बेच रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, और इस पर्टिकुलर बंदे को टमाटो चाहिए, ठीक है ना, और इस बंदे को चाहिए क्या, टीवी। तो ये बंदा इस बंदे के पास चला जाएगा और कहीं ना कहीं ये इसको टीवी पकड़ा देगा एंड कॉरस्पॉन्डिंगली उसको टमाटो दे देगा। बहुत ही मैंने बेसिक एग्जांपल समझाया है। ऐसा देखो आज के टाइम में देखना बहुत ही रेयरली होता है, बट कहीं ना बार्टर सिस्टम में यही होता है कि आप एक्सचेंज कर रहे हो चीज़ें एक दूसरे के साथ। यहाँ पे एक्चुअली एक्सचेंज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना मनी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आप जानते हो कि आपके पास आजकल के 100 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपये का नोट है, जितने भी 500 का नोट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बार्टर सिस्टम के अंदर ये नोट्स वगैरह नहीं होते। इस वजह से होता क्या है कि कहीं ना कहीं अगर आपको सामने वाले बंदे के साथ कुछ चीज़ ट्रेड करनी हो तो कैसे करोगे, आपके पास जो चीज़ है वो सामने वाले बंदे को दे दोगे और जो सामने वाले बंदे के पास चीज़ है वो पर्टिकुलर चीज़ वो आपको पकड़ा देगा, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं बार्टर सिस्टम के बारे में। थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, अभी बस बेसिकली ना एक इंट्रोडक्शन ले लो। उसके बाद देखो ये था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अलावा फिर कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आने लग गए, जैसे कि एक पर्टिकुलर चीज़ को माना जाने लगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ को हम मान लेते हैं कि ये करेंसी है। जैसे कि मान लो कॉफ़ी के जो ना वो होते हैं, कॉफ़ी के जो बी मान लीजिए कॉफ़ी के जो बीज होते हैं एक तरह से, जो ठीक है ना, तो उनको मान लो, या फिर मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ना एक बार मान लिया गया कि ये पर्टिकुलर करेंसी है, कि अगर मान लो कि टमाटो को ही मान लिया गया, तो हर किसी को ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक समझने की कोशिश करो कि मान लो मेरे पास एक टीवी है और सामने वाले के बंदे के पास फ्रिज है। अब हुआ क्या, अब टीवी वाला बंदा क्या करेगा, इसने क्या किया, इसने कुछ ये कॉफ़ी के बीन्स, ठीक है ना, कॉफ़ी के कुछ जो बीज हैं वो इस पर्टिकुलर बंदे को दे दिए जिसको फ्रिज, जिसके पास फ्रिज है, ठीक है ना। तो ये कॉफ़ी के बीन्स ना एक तरह से करेंसी का काम करेंगे, समझ आया। यहाँ पे कोई नोट का सिस्टम नहीं है, यहाँ जो आप 100 रुपये या 500 रुपये के नोट होते हैं ना वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो इस वजह से कोई और चीज़ को एज अ करेंसी ट्रीट किया जा रहा है। वो पर्टिकुलर चीज़ कुछ भी हो सकती है, कि कॉफ़ी के बीन्स हो गए या कुछ भी और भी कोई रैंडम चीज़ हो सकती है, कि टोमेटो हो गया या समथिंग और द अदर। उन चीज़ों को एक्ट करते हैं एज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ एक्सचेंज करेंसी नोट्स नहीं हो रहे, यहाँ पे क्या एक्सचेंज हो रहा है, कोई पर्टिकुलर फिजिकल ऑब्जेक्ट एक्सचेंज किया जा रहा है। अब देखो इसके कुछ ना कुछ आप समझ सकते हो कि देखो बहुत मुश्किल है इस तरह से तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ ट्रेड करना। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी आ गई, वहाँ पे फिर ना फिर और कुछ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रेड किया जाने लगा, फिर पेपर मनी को भी वहाँ पे इंपॉर्टेंस आई, फिर आजकल चलते चलते हम क्रेडिट कार्ड्स की तरफ पहुंच चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी भी आप ना यूज़ करते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ई मनी टाइप चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली इसके साथ जानते होंगे। फिर आज के टाइम पे तो हम क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, इनके बारे में भी डिस्कशन करते रहते हैं, राइट। तो ये था पूरा एक तरह से ओवरव्यू कि किस तरह से मनी इवॉल्व हुई, एक एक करके इन सारी चीज़ों को ना जान लेते हैं। देखो बात जब करते हैं हम बार्टर सिस्टम की, तो बार्टर सिस्टम का बेसिक एग्जाम्पल तो समझ गए। जैसे कि ये पर्टिकुलर कोई शॉपकीपर है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर शॉपकीपर को ना कोई चीज़, इसके पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे खरीदनी है ना, तो आप पता कैसे खरीदोगे, आपके पास जो अपनी चीज़ है वो उस बंदे के पास लेके जाओगे, उसको बोलोगे कि भैया आप ये खरीद लो, उसके बदले में मुझे कुछ और दे दो। यहाँ पे कोई नोट्स नहीं है, कोई किसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो मनी होता है ना, करेंसी, उसका उपयोग नहीं हो रहा, तो मनी का यूज़ यहाँ पर नहीं होता, ठीक है ना।
तो इस वजह से जो इस तरह के ट्रेडिंग होती है दो पार्टीज के अंदर, जहां पे पैसे का यूज नहीं किया जाता, उसी को क्या बोल देते हैं हम, उसी को बोल देते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब देखो बार्टर सिस्टम आज के टाइम पे आपको देखने को कम मिलेगा कुछ, जैसे ना कुछ अपना विलेजेस वगैरह में, अगर कई बार ना ऐसा हो भी जाता है कि मान लो कि आपने किसी बंदे को कुछ सब्जी, ये सब्जी नहीं, कुछ पर्टिकुलर आप उनको वेजिटेबल्स दे देते हो, वो बदले में आपको कुछ और दे देता है, या फिर कई बार आपने ना वो चीज़ देखी कि कभी अगर थोड़ा आप ना इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके घर बकेट्स बेचने आया है और वो बकेट आपको बेच देता है, बदले में बोलता है कि मुझे ना कुछ क्लोथ्स दे दीजिए, मुझे पैसे मत दो, मुझे कुछ क्लोथ्स दे दो या कुछ और चीज़ दे दो, इस तरह से आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा। ये एक तरह से ना बार्टर सिस्टम ही बोल सकते हो। यहाँ पर ये पर्टिकुलर बंदा भी अपनी कोई कमोडिटी को बेच रहा है, आपने भी अपने कुछ क्लोथ्स उसको दे दिए, पर यहाँ पे मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। ठीक है ना, तो बिना मनी की इन्वॉल्व हुए जब गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड किया जाए बिटवीन दो पार्टीज के बीच में, उसको बोल देते हैं क्या, बार्टर सिस्टम। इसी सिस्टम को ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है, राइट? आप ओल्ड मेथड समझ गए, क्योंकि ओल्ड पुराने टाइम में जब करेंसी वगैरह नहीं होती थी तब इसको मेजरली यूज़ किया जाता था। उसके साथ ही देखो डिपेंडिंग अपॉन क्या इसके प्राइजेस हैं, उसके बेसिस पे बार्टर सिस्टम को अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाता है। देखो बट इसके साथ ना कुछ कुछ इश्यूज़ हैं बार्टर सिस्टम के साथ, आप ये समझ सकते हो। पहला इशू पता क्या है, जो सबसे बड़ा इशू है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। समझने की कोशिश करना कि इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास मान लो कि ऑरेंज है, और इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या चाहिए, इस पर्टिकुलर पर्सन को मान लीजिए एग्स चाहिए। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास है बनाना, और इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या चाहिए, मान लो इस पर्टिकुलर पर्सन को मान लो चाहिए अनियंस। ठीक है, अब आप तो चाहते हो कि या फिर ना ऐसा मानो कि इसको इसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन को मान लो ऑरेंज ही चाहिए। ठीक है ना, इसके पास ऑरेंज है, इसके पास है बनाना। अब यहाँ पर ये बंदे को ऑरेंज है इसके पास और इसको ऑरेंज चाहिए भी, बट कहीं ना कहीं इसको बनाना ऑफर कर रहा है, पर इसको चाहिए क्या, इसको एग्स चाहिए। तो कहीं ना इस बंदे को ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो जिसको ऑरेंज की ज़रूरत हो और उसको बदले में वो एग्स भी दे पाए। समझ रहे हो? ठीक है ना, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट कि इस बंदे को कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो इसके ऑरेंज खरीद ले इससे, और इसको बदले में क्या दे दे, इसको बदले में एग्स दे दे। तो कहीं ना कहीं जो वॉन्ट है ना, यानी वॉन्ट क्या होता है, जरूरत। ठीक है ना, तो जो भी आपकी जरूरत है उसका कोइंसिडेंस होना चाहिए कि आपको भी वही चीज बेचनी हो जो सामने वाला खरीदना चाहे, और सामने वाला जो बेचना चाहे वो आपकी जरूरत हो कि आप उसको खरीदो। तो दोनों जगह पे ना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है कि आपको भी वही चीज चाहिए जो, मतलब ना कि दोनों दोनों तरफ की जो उम्मीदें हैं, दोनों तरफ की जो जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। और ये पर्टिकुलर चीज बहुत मुश्किल हो जाती है कि आपको ऐसा पर्सन ढूंढना बहुत ही एक बड़ा ना चैलेंज बन जाता है इन बार्टर सिस्टम। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे सर्च एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी हाई है, ये भी उसी फर्स्ट पॉइंट के साथ ही लिंक्ड है कि ऐसे बंदे को ढूंढना वो काफ़ी आपको महंगा पड़ सकता है, तो आपकी सर्च कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है कि आपको जब इन चीज़ों का आदान प्रदान करना होता है तो उसमें आपको काफ़ी एक कॉस्ट लग जाती है। साथ ही साथ देखो डिवीजन ऑफ लेबर को ये डिस्करेज करता है। कैसे? देखो मान लो कि आप ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, मान लो एग्जाम्पल से। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, पर इन दी एंड तो आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा, आपको फूड तो चाहिए चाहिए, तो आपको इन दी एंड अपने जो भी स्किल्स हैं वो आपस में एक्सचेंज करने पड़ेंगे किसके, फूड के रिस्पेक्ट में। तो कहीं ना कहीं देखो आप इस वजह से ना क्या होता है, ये पर्टिकुलर बंदे को ना एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो इसके जो इसका ना पर्टिकुलर काम है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का रिलेटेड जो भी काम है, वो पर्टिकुलर जो दूसरा बंदा है एक्स वाई जी, वो उससे ये पर्टिकुलर स्किल के रिगार्डिंग जो भी ज़रूरत है वो ले ले एंड वापस में उसको फूड प्रोवाइड कर दे। अब ये बंदा सोचेगा कि अगर इन दी एंड मुझे फूड ही चाहिए, ठीक है ना, अगर मुझे इन दी एंड फूड ही लेना है तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने की ज़रूरत ही क्या है, मैं सिंपली एक फार्मर ही क्यों ना बन जाऊं। क्यों? क्योंकि इन दी एंड तो मुझे फूड ही चाहिए होगा ना, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के कर क्या रहा हूँ, मैं अपनी जो भी स्किल्स हैं वो उससे कुछ कमा रहा हूँ, और उसके जो भी मैं कमा रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे फूड को उसको एक्सचेंज करना पड़ रहा है, तो क्यों मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, इससे बेटर तो यही है कि मैं फार्मर बनूँ और अपना अपना फूड खुद उगाऊँ,
और उसको खुद खाता रहूं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से डिवीजन ऑफ लेबर को ये डिस्करेज करता है, यानी कि सारे के सारे लोग एक ही तरह का काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कोई नया काम बंदा ट्राई ही नहीं करना चाहता, क्योंकि इन दी एंड उसको पता है कि उसके पास जाके जो भी वो चीज़ करेगा उसको किसी के साथ उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, वापस में उसको वही सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो कोई भी बंदा एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे नहीं लेता, जो कि किसका मेजर कंसर्न है बार्टर सिस्टम का। उसके साथ ही देखो स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो कि इसको ना ऑरेंज बेचने हैं मार्केट में, मतलब ऑरेंज किसी और को बेचने हैं, पर सामने कोई खरीदने वाला नहीं आ रहा अभी, ठीक है। या फिर जब जो इसको चाहिए, जैसे इसको एग्स चाहिए थे, तो कोई इसको ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जिसनों एग्स बेचने हो, तो पर्टिकुलर बंदा करेगा क्या, ऑरेंज को स्टोर करने की कोशिश करेगा, तो स्टोर भी कितनी देर तक करेगा, अगर ज़्यादा टाइम तक करेगा तो उसकी कॉस्ट हाई आ जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे मान लो ना जैसे फ्रूट्स हो गया, तो फ्रूट्स ऐसा तो नहीं है कि आप एक एक महीना दो दो महीना रखे रहोगे घर पे, नहीं ना, तो ये तो पेरिशेबल है, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर ये पर्टिकुलर पर्सन ऑरेंज उगा रहा था, तो कहीं ना कहीं इसको डर रहेगा कि यार मेरा ऑरेंज तो ख़राब हो जाएगा अगर कोई इसको खरीदने वाला ना रहे, राइट। तो ये सारी चीज़ें इश्यूज़ आ जाते हैं बार्टर सिस्टम के अंदर। और भी कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज जो इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग थे, ये सारे के सारे भी आप इससे रिलेट कर सकते हो। उसके अलावा देखो एक चीज़ आ जाती है, फंजेबिलिटी इश्यूज। देखो फंजेबिलिटी का ना मैं मतलब समझाता हूँ पहले कि फंजेबल होता क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। देखो फंजेबल आइटम वो आइटम्स होते हैं जहाँ पे डिवीज़न पॉसिबल होती है। डिवीज़न पॉसिबल होने का मतलब क्या, जैसे मान लो कि आपको एक एक बुक खरीदनी है, अब बुक की कॉस्ट है मान लो 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपये की आपको बुक खरीदनी है। अब हो सकता है कि आपके पास एक 100 रुपीज़ का नोट हो, एक नोट है 100 रुपीज़ का, क्या उससे आप बुक खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो। या ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास 10 नोट हैं 10-10 रुपये के, क्या उससे आप बुक खरीद सकते हो, जी इससे भी खरीद सकते हो बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पे ना फंजेबिलिटी है, कि चाहे आप 100 रुपये का एक नोट करो या 10 रुपये के 10 नोट हो, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है ना। इससे जितना आप खरीद सकते हो एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट, मतलब बेसिकली एग्जैक्टली उतने ही प्रोडक्ट्स आप इस चीज़ से भी खरीद सकते हो। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो नोट्स होते हैं ना वो फंजिबल होते हैं, यानी कि वहाँ पर डिवीज़न पॉसिबल होती है। जैसे और कुछ एग्जाम्पल सोचो, जैसे ठीक है ना, जैसे बिटकॉइन हो गया, तो चाहे एक बिटकॉइन हो या फिर 0.1 बिटकॉइन इंटू 10 हो, तो दोनों की वैल्यू सेम है, सेम चीज़ ही खरीद पाओगे। उसी तरह से देखो कार्बन क्रेडिट हो गया, ठीक है ना, ऑयल हो गया, कि ऑयल का मान लो आपने ना 100, अगर आपके 100 टैंक लेने हैं ऑयल के, अगर उनकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो एक टैंक की 1 रुपया होगी, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें फंजेबल होती हैं। उसी तरह से जो गोल्ड बार हैं वो भी फंजेबल है, क्योंकि वो डिवाइड हो सकती हैं। अब नॉन फंजेबल समझो, कि नॉन फंजेबल इसका उल्टा, जहाँ पे डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। जैसे ये ना मोनालिसा की पेंटिंग देखो, ठीक है, जैसे मोनालिसा की मान लो ये पेंटिंग 1 करोड़ की है, एग्जांपल से सोचो, एक जो पेंटिंग है मोनालिसा की वो 1 करोड़ की है, अगर मान लो ये बीच में से ऐसे फट जाए, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि ये ऊपर वाला हिस्सा 50 लाख का, नीचे वाला हिस्सा 50 लाख का हो गया 1 करोड़, ऐसा होगा क्या, जी नहीं। ये पेंटिंग तो फिर वर्थ ही नहीं रहेगी, इसकी तो वैल्यू ही जो 1 करोड़ थी, हो सकता है 0 पे ही आ जाए, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या है, ये नॉन फंजिबल है, क्योंकि इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ ना, तो उसकी वैल्यू उसकी ओरिजिनल के बराबर नहीं रहती, ठीक है। उसी तरह से देखो और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, नॉन फंजिबल चीज़ें, जो भी इस तरह से चीज़ें होती हैं, बेसिकली आप समझो कि अगर उनको डिवाइड कर दें तो क्या उनकी वैल्यू सेम रहेगी, नहीं। जैसे एक ना डायमंड का एग्जाम्पल समझो, अगर मान लो एक ऐसे बड़ा सा डायमंड है, हो सकता है इसकी वैल्यू 1 करोड़ हो, अब इसको बड़े से डायमंड को मान लो आपने छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मान लो 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या इन 10 पार्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कीमत 10-10 लाख होएगी कि टोटल इसका 1 करोड़ हो जाए, जी नहीं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो छोटे डायमंड्स हो गए ना, इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना इस बड़े वाले डायमंड की 1 करोड़, वो छोटे डायमंड्स को अगर आप मिला दोगे तब वो वैल्यू नहीं बनेगी। और इसका रीज़न क्या है, कि वो चीज़ें क्या होती हैं, नॉन फंजिबल आइटम्स होती हैं, कि वहाँ पर डिवीज़न अगर आप कर दोगे तो जो एक्चुअल स्टार्टिंग में हमारे पास पैसे के कॉरस्पॉन्डिंग वो चीज़ थी, वो बाद में वो चीज़ उसकी प्राइस जो थी वो बदल जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं फंजिबिलिटी एंड नॉन फंजिबिलिटी। देखो एक चीज़ होती है नॉन फंजिबल टोकन, NFT,
आपने सुना होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको ना बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी के लिए क्योंकि हम ये बार्टर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ नॉन फंजेबिलिटी और का पॉइंट आया, तो वो चीज़ हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्कस कर दी। ठीक है, फंजेबिलिटी के अंदर ना म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन होता है। म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन मतलब कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग सब्सटीट्यूट की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 100 रुपीज़ का नोट इक्वलेंट होता है किसके, 10 रुपए के नोटों के। ठीक है ना, तो ये चीज़ म्यूचुअली सब्सटीट्यूटेड है, डिवीजन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नॉन फंजिबल आइटम्स भी हम समझ गए। ये NFT वाला जो मैं बता रहा था, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक बार हम बिटकॉइन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी को पढ़ लें। आगे चलते हैं, देखो एक बार ना मनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है मनी की, किस तरह के फंक्शन होते हैं वो एक बार जान लेते हैं। देखो मनी के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकते हैं, बट तीन अगर इसको कैटेगरीज में हम ना डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्राइमरी फंक्शंस क्या है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस उसके क्या हैं, फिर सेकेंडरी फंक्शंस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग और क्या क्या इन प्राइमरी फंक्शंस की वजह से और क्या नए नए हमारे पास फंक्शंस जनरेट हो गए हैं। साथ ही साथ तीसरी चीज़ है कंटिंजेंट फंक्शन, इसको भी डिस्कस करेंगे। देखो चलते हैं सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। देखो इसका मतलब क्या होता है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। देखो सोचो, जैसे कि ना हम किसी को बोलते हैं कि अच्छा ये बंदा 6 फिट लंबा है, ठीक है, तो फीट क्या हुआ, ये एक तरह से हम उसको ना मेजर कर रहे हैं ना, कि उसकी हाइट उसकी मेजर करने का एक तरीका हो गया। या उसको बोल दिया हमने कि तू 60 kg का है, तो kg क्या है, यहाँ पे उसका वेट मेजर करने का एक तरीका है। उसी तरह से हमें अगर वैल्यू को मेजर करना है कि कोई चीज़ की कीमत कितनी ज़्यादा है, वो कैसे मेजर करेंगे, वो मनी से मेजर करेंगे। इसी को क्या बोल देते हैं, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे मान लो ना कोई आइटम है, मान लो जैसे टीवी है। अब टीवी को आप अगर बोल दो सिंपली कि भैया ये 10,000 रुपये का है, तो काफ़ी ईजिली उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया ना। ठीक है, तो इससे हमें मनी से ये फायदा होता है। अगर आप सोचो ये बार्टर सिस्टम के अंदर कैसा होगा, आप बोलते हो कि ये 500 टमाटो के इक्वल है या 400 अनियंस के इक्वल है, तो वैसा वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। बट क्योंकि हमने ऐसे रुपीस के अंदर डिफाइन कर दिया है, तो काफ़ी ईजिली हम उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, इसको भी ये डिटर्मिन करने में हेल्प करता है किस किस रेट पे हम चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। उसी देखो आगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब कि आपने कोई चीज़ जैसे सेल या परचेज करनी हो, ठीक है ना, कोई चीज़ सेल या परचेज करनी हो तो वो कैसे करोगे, वो आप मनी के थ्रू ही तो करोगे। कि किसी को पैसे दे दिए 10,000 रुपये टीवी वाले को, टीवी वाले ने आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग टीवी दे दिया, तो ये क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग ही तो हुई। तो इसी को क्या बोल देते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और देखो क्योंकि मनी है ना, तो मनी एक अच्छे से, जैसे इसकी बात करें जैसे पेपर नोट की, तो ये इजीली एक्सेप्ट भी हो जाते हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये ड्यूरेबल भी चीज़ें होती हैं, राइट। ये हो गए प्राइमरी फंक्शंस, ये थे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कि एक तो ये मेजर ऑफ वैल्यू है एंड दूसरा ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो प्राइमरी फंक्शंस तो हमने कर लिए, उसी तरह से आ जाते हैं सेकेंडरी फंक्शंस के ऊपर। देखो सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं, कि जो प्राइमरी फंक्शंस की वजह से यहाँ पे हमारे साथ रिलेट हो जाते हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ वैल्यू, कि पर्टिकुलर चीज़ को हम कोई वैल्यू को हमने मान लो स्टोर करना हो। जैसे एग्जांपल से समझो कि हमारे पास जैसे बैंक अकाउंट होते हैं, ठीक है ना, अब बैंक अकाउंट में हमारी सेविंग्स होती हैं, ठीक है ना, तो हमारी वैल्यू को एक ना बेसिकली एक स्टोरेज करने का एक तरीका मिल जाता है क्योंकि हमारे पास मनी है। या फिर उसी तरह से हम इस पैसे की वजह से बेसिकली कुछ इसी तरह का लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, इस चीज़ को हम खरीद सकते हैं। तो काफ़ी ईजिली जब हमारे पास मनी होती है ना, हम उसको बाकी और एसेट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मनी एक तरह से वैल्यू को स्टोर करने का एक तरह से हमारे पास एक तरीका बन जाता है, ठीक है। उसी तरह से डेफर्ड पेमेंट्स, देखो डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या होता है, आपने इस टाइप की चीज़ें सुनी होंगी, बाय नाउ पे लेटर, कि खरीद अभी लो पर पे बाद में कर देना। इस चीज़ का मतलब क्या होता है, इस चीज़ का मतलब होता है डेफर्ड पेमेंट से रिलेटेड। जैसे आप EMI देते हो, कि मान लो कि आपने एक घर खरीदा हुआ है, अब घर की एक EMI दे रहे हो। अब EMI कैसे देते हो, मान लो हर महीने आप 5,000 रुपये की EMI दे रहे हो। तो बेसिकली अगर हमारे पास मनी है ना, इस वजह से आपको ये EMI लेना ईजी है। अगर मान लो ये पैसा ही ना होता, ठीक है ना, अगर ये पैसा ही ना होता तो पैसा बोरो करना, लेंड करना कितना मुश्किल होता।
ये ईएमआई वाला जो सिस्टम होता है ये हम कैसे कर पाते, ये नहीं कर पाते। तो ये जो ईएमआई करना, डेफर्ड पेमेंट्स करना, ये सारे के सारे पॉसिबल हैं बिकॉज ऑफ मनी, और ये उसका एक सेकेंडरी फंक्शन बन जाता है। उसी तरह से ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू एंड परचेजिंग पावर। अब इसको समझते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू क्या होता है। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब मान लीजिए कि आप बैंगलोर में जॉब करते हो, ठीक है, और आपके पेरेंट्स रहते हैं मान लो चंडीगढ़ में। अब आपने बैंगलोर में कुछ पैसा कमाया, अब ये पैसा आप अपने पेरेंट्स को चंडीगढ़ में भेजना चाहते हो, तो अगर आपके पास मनी है तो मनी की वजह से आप ये ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दिस इज़ नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। और परचेजिंग पावर का भी ट्रांसफ़र होता है, कैसे, क्योंकि इसके साथ ही देखो जैसे ही आप रेमिटेंसेस भेजते हो, देखो रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि बेसिकली ना कुछ जैसे कोई पर्टिकुलर बंदा किसी और जगह पे गया हुआ है, वहाँ पे जाके वो जॉब कर रहा है, तो अपने घर पे जब पैसे भेजता है उसको रेमिटेंसेस बोल सकते हैं। तो रेमिटेंसेस भेजे तो घर पे क्या हुआ, घर पे पैसा आया, तो अकॉर्डिंगली वहाँ की परचेजिंग पावर भी बढ़ गई। तो ये सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग मनी के सेकेंडरी फंक्शंस बन जाते हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ कंटिंजेंट फंक्शंस की, देखो पहले ना कंटिंजेंट का मैं थोड़ा सा मीनिंग बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंटिंजेंट का मतलब शायद ना पता हो। देखो कंटिंजेंट का मीनिंग होता है डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स, ठीक है, कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स। जैसे एग्जांपल से समझो, मैंने आपसे पूछा कि आप इस मंथ में, मान लीजिए जून के मंथ में आपका एक्सपेंस क्या रहेगा, आपका कितना खर्चा होगा। आपने मुझे बोला कि भाई सर 50,000 रुपया तो खर्चा होगा ही होगा, उसके अलावा ना हमारा एक मान लीजिए एक कोर्ट केस चल रहा है, अगर हम कोर्ट केस हार जाते हैं तो हमें 20,000 रुपये इस कोर्ट केस में देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो 20,000 रुपया कॉरस्पॉन्डिंग कोर्ट केस का, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होता है मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा जब एसेट लायबिलिटी के बारे में जानेंगे, पर कहीं ना कहीं आप पहले कंटिंजेंट का मतलब समझो। कंटिंजेंट का मतलब क्या हुआ, किसी और चीज़ पे जो डिपेंड करे। तो ये जो पर्टिकुलर 20,000 रुपये का खर्चा है ना, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि क्या जो कॉरस्पॉन्डिंग कोर्ट केस है वो आप जीतोगे या हारोगे। तो इस तरह से ना कंटिंजेंट फंक्शंस का मतलब भी यही है कि बाकी चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, कि बाकी जो फंक्शंस थे ना, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, उन पे डिपेंड करते हुए ये पर्टिकुलर फंक्शंस बने हैं। जो मनी मतलब मार्केट में आई ना, जो मनी बनी उसका एक्चुअल में काम पहले ये नहीं था, इस वजह से नहीं मनी लेके आएगी, पर बाकी रीजंस पे डिपेंड होते हुए इस टाइप के फंक्शंस आ गए मार्केट में। जैसे कि क्या फंक्शन हो सकता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करना। अब देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी इतना समझ लो कि इन चारों को, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन चीज़ों को किस तरह से पैसे देने हैं, लैंड के कॉरस्पॉन्डिंग आपको किस तरह से रेंट पे करना है, लेबर के कॉरस्पॉन्डिंग इनको वेजेस देनी होती हैं, कैपिटल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इंटरेस्ट हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट। तो ये सारी की सारी चीज़ें एम्प्लॉय करने के लिए मनी का एक तरह से एक कंटिंजेंट फंक्शन बन जाता है। उसी तरह से देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जैसे मान लो आप टैक्स पे करते हो, अब टैक्स पे करने से क्या होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा गया। अब गवर्नमेंट के पास पैसा गया तो उससे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव स्टार्ट किए, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के लिए कुछ काम किए। जैसे आप जानते हो MGNREGA का सुना होगा आपने, ठीक है ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है इसके अंदर, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो DBT होते हैं। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जगह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम करना। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, अगर हमारे पास पैसा है ना तो अमीर लोगों से पैसा गवर्नमेंट लेकर गरीब लोगों में बांट रही है ताकि देश की गरीबी कम करी जा पाए। तो ये भी एक पर्टिकुलर चीज़ कंटिंजेंट फंक्शंस में आप इंक्लूड कर सकते हो। उसके साथ ही साथ देखो किस तरह से एक ना क्रेडिट सिस्टम का एक बेसिस बन जाता है। कैसे, कि आपको लोन्स जो हो गया, EMI हो गया, चेक्स हो गया, ठीक है ना, या फिर इवन आप ना जैसे आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है ना, ये सारी की सारी अलग अलग चीज़ें जब आप इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाती हैं, ये भी मनी का ही एक कंटिंजेंट फंक्शन तो आ जाती हैं कि आप फाइनेंशियल मार्केट्स में थ्रू द यूज़ ऑफ मनी इन्वेस्ट कर पाओ।
राइट तो ये सारे के सारे कंटिजेंट फंक्शन है। आई होप आपने समझ गए होंगे कि प्राइमरी फंक्शन क्या थे, सेकेंडरी फंक्शन क्या थे एंड कंटिजेंट फंक्शन क्या थे। तो फिर से अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे कि मनी किस तरह से इवॉल्व हुई है ओवर द ईयर्स। तो हमने देखो बार्टर सिस्टम तो पढ़ ही लिया, थोड़ा सा हमने पेपर मनी पढ़ा, पर इसको और डिटेल में हमें जानना है थोड़ा सा ना, हम फिजिकल ऑब्जेक्ट या फिर ना कमोडिटीज भी उसको बोल देते हैं कि कमोडिटी मनी क्या होती है। थोड़ा सा हम कमोडिटी मनी को जान लेते हैं कि कमोडिटी मनी होती क्या है। तो देखो जैसे मैं ना ये कॉफ़ी बीन्स की आपको बात कर रहा था कि मान लो कि लोगों के पास बहुत सारे कॉफ़ी बीन्स हैं, तो कॉफ़ी बीन्स को एक्सचेंज किया जाएगा। एग्जाम्पल समझूँ तो कैसे, ये मान लो एक पर्सन है, ये मान लो एक पर्सन है, अब इसको बेचने हैं मान लो टोमेटो और इसके, ठीक है ना, और इसको चाहिए टीवी, ठीक है। अब हुआ क्या देखो, अब आपस में देखो दोनों की हो सकता है डिमांड आपस में मीट ना करे कि इसको टोमेटो इसके पास है और इसको चाहिए टीवी, पर ऑन दी अदर हैंड दूसरे के पास, यहाँ पे टीवी ना लिख के कुछ और लिख लेते हैं, जैसे इसके पास मान लो अनियंस हैं और इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए एग्स, ठीक है ना, ये इनको चाहिए एग्स चाहिए, इसको टीवी चाहिए। अब ये मान लो इस बंदे के पास गया, ठीक है ना, अब इसको क्या चाहिए था, इसको चाहिए थे एग्स, सॉरी टीवी चाहिए था इस बंदे को, बट कहीं ना कहीं सामने वाले के पास ये चीज़ है नहीं, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसकी जगह वो एक कमोडिटी को ले आते हैं। कमोडिटी जैसे कि ये कॉफ़ी बीन्स, ये बोलेगा कि भैया अगर आपको एग ये पर्टिकुलर चीज़ को ख़रीदना है तो आपको इतने कॉफ़ी बीन्स मुझे देने पड़ेंगे, और ये बंदा इससे बोलेगा कि अगर तुझे मेरे से ये पर्टिकुलर चीज़ खरीदनी है तो इतने कॉफ़ी बीन्स मेरे पास लेके आने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो जो काम हम आज के टाइम पे ना हम नोट्स के साथ करते हैं कि 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, ये जो काम हम नोट के थ्रू करते हैं, ये अगर नोट की वजह से ना होके कुछ इस तरह से कॉफ़ी बीन्स के थ्रू हो या आपस में एक तरह से ना एप्पल्स या कोई भी और कमोडिटी के थ्रू एक्सचेंज किए जाएं, तो उसको बोल देते हैं कमोडिटी मनी। यानी कि आप समझ गए कि कमोडिटी से हम ना वैल्यू डिराइव कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ ना कमोडिटी एक्सचेंज नहीं हो रही और ना ही ये बार्टर सिस्टम है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, बट कौन सा पैसा, जैसे कॉफ़ी बीन्स हो गया, ये एप्पल्स हो गया, एक्सचेंज हो रहे हैं, ये वाली चीज़ एज अ करेंसी एक्ट कर रही है, ठीक है ना। जब पहले पेपर नहीं होता था या पेपर का बेसिकली एज अ करेंसी यूज़ नहीं होती थी, तब इन चीज़ों को एज अ करेंसी यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी रिगार्डिंग कमोडिटी मनी। एक चीज़ और जानते हैं कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कि किसी चीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू होना। देखो जैसे ना ये एप्पल्स का केस ले लो या कॉफ़ी बीन का केस ले लो, इनकी क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसका मतलब पता क्या है, कि अगर मान लो कि मैं इसको करेंसी के फॉर्म में यूज ना करूं, किसी और के साथ एक्सचेंज ना करूं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इसको एज अ कॉफी यूज कर लूं, कि इसकी मैं इन पर्टिकुलर बीन्स की थ्रू मैं कॉफी बना लूं, या अगर एप्पल को मैं एज अ करेंसी ना यूज करूं तो उसकी जगह मैं क्या कर लूं, उसकी जगह मैं उसके एप्पल्स मतलब खा ही लूं, ठीक है ना, उसको कंज्यूम कर लूं एप्पल्स को। तो इनका मतलब ये होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू इनकी है। एग्जाम्पल से मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ, जैसे 10 रुपये का नोट है, अब 10 रुपये का नोट अगर मान लो आप किसी और को नहीं देते, बेसिकली दूसरे के साथ अगर आप एक्सचेंज नहीं करते, तो उसका आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी, इसकी वैल्यू एक्चुअल में फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली क्या है, ये एक पेपर का टुकड़ा ही तो है, ठीक है, ये एक पेपर ही तो है 10 रुपये का नोट, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जब कॉफ़ी बीन्स की बात हो गया या एप्पल्स की बात हो गया, जब वो एज अ कमोडिटी की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में एक्सचेंज किया जाता है, इन चीज़ों की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, क्योंकि उनकी खुद की आपस में, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक का मतलब कि उनके अंदर कुछ वैल्यू है। ये कागज़ का टुकड़ा जो नोट था ना 10 रुपये का, इसकी कोई अंदर वैल्यू नहीं है, ये तो सिंपली कागज़ का टुकड़ा है, पर यहाँ पे कॉफ़ी बीन्स या एप्पल्स की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, राइट। पर कहीं ना कमोडिटी मनी के भी कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म। अब हो सकता है कि जो इंडिया के कॉफ़ी बीन्स हैं इनकी क्वालिटी अच्छी हो, कोई दूसरी कंट्री का मान लो बंदा है, वहाँ पे इन कॉफ़ी बीन्स की क्वालिटी अच्छी ना हो, या स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, या फिर किसी ने मान लो खुद ही ये चीज़ें उगा दी, ठीक है ना, कॉफ़ी बीन्स अपने खेत में उगाने लग गए, जैसे भी होगा, तो कहीं ना कहीं वो ख़राब क्वालिटी के उगाने लग गया और उसको एज अ करेंसी यूज़ करने लग गया, तो ये चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म होती है बहुत ज़्यादा, हमें पता ही नहीं लगता कि कौन से कॉफ़ी बीन हमें खरीदने चाहिए, सामने वाले बंदे से लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके कॉफ़ी बीन ज़्यादा करेंसी यूज़ हो ही ना पाए, ठीक है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से कमोडिटी मनी के काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। उसके साथ ही देखो पेरिशेबल, पेरिशेबल भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एप्पल्स जैसे मान लो आप यूज़ कर रहे हो
तो एप्पल्स कल को खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तो पेरिशेबिलिटी इन चीज़ों की बहुत होती है। उसी तरह से जैसे मैंने दूसरी कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया कि हो सकता है कि इंडिया वाले कॉफी बीन्स को एज अ करेंसी यूज़ कर रहे हो, ऑन दी अदर हैंड यूएस वाले एप्पल्स को यूज़ कर रहे हो, तो ये कैसे आपस में एक्सचेंज करेंगे? यूएस वाला बंदा एक्सेप्ट ही ना करे कॉफी बीन्स को, तब क्या होगा? तो ये सारे इश्यूज रहते हैं कहीं ना कहीं। उसके अलावा देखो कमोडिटीज की सप्लाई, कल को ऐसा हो कि मार्केट में एप्पल्स की प्रोडक्शन अगले साल कम हो जाए, ठीक है ना, अगर मानसून अच्छा ना आए, मान लो कि अगर एप्पल्स की प्रोडक्शन ही अगले साल ना हो, तो हो सकता है कि सप्लाई जो है कमोडिटी की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। पैसे से मतलब मेरा कमोडिटी मनी से है। तो इस तरह से काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ पे कमोडिटी मनी के कॉरस्पॉन्डिंग आ सकते हैं, ठीक है जी। अब कमोडिटी मनी से आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं मेटैलिक मनी के बारे में कि मेटैलिक मनी क्या होती है। देखो मेटैलिक मनी मेटल से बनी होती है, जैसे हम अभी कमोडिटी डिस्कस कर रहे थे ना, कमोडिटी में कमोडिटीज क्या थी, जैसे कॉफ़ी बीन्स थे, एप्पल्स थे, ये सारी कमोडिटीज थी। अब मेटैलिक मनी में क्या हुआ, इस तरह के ना कॉइन्स बनने लग गए, जैसे गोल्ड के कॉइन हो गए, सिल्वर के कॉइन हो गए, ब्रोंज हो गया, निकल हो गया, इस तरह से अलग अलग मेटल्स को एज अ कॉइन यूज़ करने लग गए। और मेटल्स की देखो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जैसे मान लो ये गोल्ड का कॉइन है, अब या तो आप इस पर्टिकुलर कॉइन को एज अ कॉइन एक्सचेंज कर सकते हो दूसरे के साथ, ठीक है ना, आपने किसी से आपको पैसा चाहिए, मान लो आपने उसको ये पर्टिकुलर कॉइन दे दिया एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने जो भी आपको चीज़ चाहिए थी वो खरीद ली, या फिर अगर आप इसको मान लो ना पिघला देते हो, इस गोल्ड कॉइन को आपने मेल्ट कर दिया, तो उसके बाद आपको गोल्ड भी तो है आपके पास, ठीक है ना। तो ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू का, मतलब कि उसकी अंदर से अपनी एक वैल्यू है। जैसे मैं आपको बार बार बता भी रहा हूँ, जो नोट होते हैं ना, नोट्स 10 रुपये का, 50 रुपये का, ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं, बट यहाँ पे ये जो गोल्ड कॉइन्स हैं ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं हैं, यहाँ पर तो मेटल है इसके अंदर, इसके अंदर तो गोल्ड भरा हुआ है, तो इस वजह से इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, नोट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। अब इसी मेटैलिक मनी के अंदर ना दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है फुल बॉडी, एक होता है टोकन कॉइन्स। अब फ़र्क समझना, फ़र्क देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर चीज़ पर्टिकुलर डायग्राम को देखो, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कॉइन बना है ना, ये मान लीजिए कि गोल्ड से बना है, तो यहाँ पर क्या है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये गोल्ड से बना है। मान लो कि ना इसकी वैल्यू, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 100 रुपये का कॉइन है, एग्जाम्पल समझो कि 100 रुपये का कॉइन है, अगर आपने देखो या तो आप मार्केट में इसको 100 रुपये किसी क्वांटिटी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर आप इसको अगर मेल्ट करोगे ना, तो हो सकता है इसकी वैल्यू 100 रुपये से भी ज़्यादा आ जाए, क्योंकि गोल्ड महंगा बहुत है, राइट। तो इन चीज़ों को बोल देते हैं क्या, फुल बॉडी कॉइन्स। ऑन दी अदर हैंड जब मैं टोकन कॉइन्स की बात करता हूँ, तो जैसे इस पर्टिकुलर 5 रुपये के कॉइन को देखो, तो अगर आप मान लो ना 5 रुपये का कॉइन इसको मेल्ट कर दोगे, तो क्या आपको जो कॉपर मिलेगा या जो भी निकल मिलेगा या एल्यूमिनियम मिलेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्या उसकी वैल्यू 5 रुपये होगी? नहीं, वो 5 रुपये से काफ़ी कम रुपए का मेटल है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं कि टोकन कॉइन्स के अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना वो कम है, किससे, फेस वैल्यू से। समझने की कोशिश करना फेस वैल्यू का मतलब, फेस वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फेस पे क्या दिख रहा है, इसके इसके फेस पे हमें दिख रहा है ये 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है ना। तो इसकी फेस वैल्यू क्या है, 5 रुपये। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता लगेगी, जब हम इसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके हमारे पास मान लो निकल आया या एल्यूमिनियम आया, हम देखेंगे कि अच्छा ये मेटल की कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट जब आएगी ना वो 5 रुपये से लेस देन कम आएगी, 5 रुपये से कम आएगी, मान लो 3 रुपये आ रही है, तो ये चीज़ हो जाती है टोकन कॉइन्स। समझ आया कि फुल बॉडी के अंदर क्या है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़्यादा है फेस वैल्यू से, क्यों, क्योंकि ये प्रीशियस मेटल से बना है, जैसे कि गोल्ड से बना हो, सिल्वर से बना हो। ऑन दी अदर हैंड टोकन कॉइन्स के अंदर क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम है, किससे, फेस वैल्यू से, क्यों, क्योंकि ये चीपर मेटल से बना है, जैसे कि निकल और एल्यूमिनियम, राइट। तो ये था मेटैलिक मनी के रिगार्डिंग। अब इसके रिगार्डिंग भी ना देखो कुछ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मान लो मेटल की शॉर्टेज होगी, अब देखो गोल्ड से मान लो अगर कॉइन बन रहे हैं, अब गोल्ड अनलिमिटेड तो है नहीं, गोल्ड भी तो एक दिन खत्म ही हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे ना हम गोल्ड के ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन बनाते जाएंगे, वहाँ पे मेटल की शॉर्टेज आ सकती है, और इस वजह से हमारी कंट्री या हमारे वर्ल्ड के अंदर मेटल की शॉर्टेज की वजह से करेंसी खत्म हो सकती है। उसके अलावा दूसरी चीज़ होती है डीबेसमेंट। डीबेसमेंट का मतलब मान लीजिए ये गोल्ड कॉइन है, यहाँ पर मान लो 10 ग्राम गोल्ड जा रहा है, अब किसी बंदे ने या खुद भी या किसी किंग ने या जैसे भी होगा, उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं ये गोल्ड कॉइन 8 ग्राम का बनाने लग जाऊँ तो क्या होगा,
तो देखो वहां पे ना थोड़ा थोड़ा ऐसे गोल्ड निकलता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस चीज को बोल देते हैं क्या, डीबेसमेंट, कि पहले जितना क्वांटिटी मेटल वहां पे डल रहा था एक कॉइन के अंदर, उससे काफी कम क्वांटिटी मेटल अब डालने लग जाए, बिकॉज ऑफ चाहे वो किंग की वजह से हो या लोगों ने अपने हिसाब से ऐसा करने लग गया हो, उसको बोल देते हैं क्या, डीबेसमेंट, राइट। तो ये सारे इश्यूज हैं मेटालिक मनी के साथ ही, बाकी और भी जो पहले पड़े हुए हमने इश्यूज हैं उनको भी आप इन पर्टिकुलर चीज़ों के साथ रिलेट कहीं ना कहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पे लिंकेज आती है इसकी एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा। देखो जैसे ना मैं आपको ये पर्टिकुलर कॉइन्स दिखा रहा हूँ ना, ये कुशान एम्पायर के टाइम के हैं, ठीक है। अगर आपने देखो एंशियंट हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, मेडिवल को नहीं पढ़ा, तो आप उस उन पर्टिकुलर चीज़ों में ये चीज़ पढ़ोगे कि जैसे ना किंग्स के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉइन्स इशू किए जाते थे, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, राइट। तो ये सारे के सारे टाइप ऑफ कॉइन्स के कौन कौन से इशू किए जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना इकोनॉमी, हम जैसे मेटालिक मनी को पढ़ रहे हैं ना, आपको ये सारी चीज़ें हिस्ट्री के अंदर अपने लिंकेजेस को एस्टेब्लिश करना है जी, या फिर आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी आप अपना कॉइनेज के ऊपर चैप्टर आप पढ़ोगे, तो वहां पर आपको इन सभी चीज़ों को आपस में रिलेट करना है कि अच्छा कुशांस के टाइम किस तरह के कॉइन्स यूज़ किए जा रहे थे, मुगल एम्पायर के टाइम किस तरह के कॉइन्स यूज़ किए जा रहे थे, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली आप उन चीज़ों के साथ अपनी प्रेपरेशन को साथ ही साथ रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर पढ़ लिया हुआ है तो डेफिनेटली आप क्विकली ना रिवाइज कर सकते हो, नहीं पढ़ा तो जब पढ़ोगे तो ये चीज़ें याद रखना कि अच्छा किंग्स के द्वारा किस तरह से कॉइन्स रिलीज किए जाते थे, मेटालिक मनी क्या होती है, क्या क्या इश्यूज थे उन उस टाइम के किंग्स ने किस तरह से इनको टैकल किया होगा, ये सारी चीज़ें जब आप सोचोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एक ब्रॉड होराइजन मिलेगा इन चीज़ों का, राइट। और एक्चुअल में ना एक दो क्वेश्चन साथ ही साथ देख लेते हैं, देखो किस तरह से हिस्ट्री में इंटरलिंकेज आता है इकोनॉमी का। जैसे ये पर्टिकुलर देखो अभी 2022 का ही क्वेश्चन है, थोड़े टाइम पहले इसी साल ही क्वेश्चन आया है ये, इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनम रिलेटेड टू वॉट। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ था, पर कहीं ना कहीं अगर आपने ना चीज़ें रिलेट करके पढ़ी हो, मेडिवल हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा हो, तो आप रियलाइज करोगे कि इसका आंसर क्या है, क्वाइंस। एक्चुअल में अगर बात करूं तो जैसे ना ट्रेवनकोर, ठीक है ना, ट्रेवनकोर में अंदर जो बेसिकली स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर था उनके द्वारा एक मनी रिलीज करी जाती थी, उसको बोलते थे ट्रेवनकोर फनम, यहाँ लिखा ना वन फनम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बालाराम वर्मा, ये वहाँ के अकॉर्डिंगली किंग्स का नाम लिखा हुआ है, किस तरह से साउथ इंडिया की तरफ ये फनम चलते थे, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखो चक्राम्स करके भी ना एक क्वाइंस होते हैं, तो चाहे फनम हो गया, चक्राम्स हो गया, ये सारे वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टाउन स्मॉलेस्ट क्वाइंस हैं वर्ल्ड के, ठीक है। तो इस वजह से यूपीएससी ने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा, तो कहीं ना हिस्ट्री के अंदर आपको ये पर्टिकुलर लिंकेज एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ कॉइनेज। मैं एक और क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल नीड्स टू बी फॉलोड फॉर बार्टर सिस्टम टू ऑपरेट इफेक्टिवली। कौन सी चीज़ होनी चाहिए, क्या लॉ ऑफ सप्लाई है, क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, क्या रिकार्डो की इक्वलेंस थ्योरी है, या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट है। अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है तो काफी इजी क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। जहां पर क्या होता है कि जो पर्टिकुलर चीज एक बंदे के पास हो उसको इंश्योर करना पड़ता है कि सामने वाले बंदे को उस पर्टिकुलर चीज की जरूरत हो, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली साथ में क्या होना चाहिए कि ठीक है ना, जैसे दो लोग हैं तो ये इसको जो बेच रहा है इसको ये चाहिए हो, और जो इसके पास है और वो फर्स्ट पर्सन को भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं दोनों की जो वॉन्ट्स हैं वो आपस में कंसाइड कोइंसिडेंस करनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए कहीं ना कहीं, जो एक बेच रहा है सामने वाले को वही चीज़ खरीदनी पड़े, इसको बोल देते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। और इसके हमने क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, सर्च कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें भी पड़ी। उसके साथ ही देखो हिस्ट्री में, देखो मैं जैसे कॉइन्स का आपको बता ही रहा था, तो 2017 के मेंस में भी कॉइन्स के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है क्या, कि हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट लेवल ऑफ एक्सलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर पीरियड। तो देखो जिसको न्यूमिस्मेटिक का मीनिंग नहीं ना पता, न्यूमिस्मेटिक एक्चुअल में ना क्या होता है, स्टडी या फिर कलेक्शन किस चीज़ की, ऑफ करेंसी, ठीक है ना, जैसे कि किस टाइप की करेंसी, चाहे वो क्वाइंस हो गया, ठीक है ना, टोकन्स हो गया, पेपर करेंसी हो गया, या फिर उसके रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड होते हैं, इन चीज़ों को बोल देते हैं न्यूमिस्मेटिक आर्ट्स। ये काफ़ी आपको ना हिस्ट्री से आपको ये सारी चीज़ें, आपको जब आप गुप्ता आर्ट को पढ़ोगे वहाँ पर आपको ये चीज़ें रिलेट करनी है। और मैं एक्चुअली इकोनॉमी में इन सभी का लिंकेज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना ये आपस में काफ़ी हद तक लिंकेज आ सकती है। जैसे कि
अभी मैंने आपको ना डिबेसमेंट का प्रिंसिपल बताया कि कैसे कैसे ना डिबेसमेंट हो जाती थी, कि मान लो कि पहले एक कॉइन के अंदर 10 ग्राम गोल्ड पड़ा हुआ है, बाद में 8 ग्राम आने लग गया, तो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि जब 10 ग्राम डल रहा था एक कॉइन के अंदर, तो वहाँ पे उस टाइम पे वो पर्टिकुलर जो रीजन था वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा थी, वहाँ लोगों में ज़्यादा खुशहाली थी, इसलिए एक कॉइन में ज़्यादा ज़्यादा गोल्ड भर के वो डाल रहे थे। बट बाद में हो सकता है कि जो किंग्स हैं बाद के वो वीक हो गए हों, ठीक है ना, वो इतने स्ट्रांग ना हो, उनके एम्पायर में इतना अच्छा पैसा ना हो, ठीक है ना, उनका जो जो भी खजाना होता है वो कम होने लग गया हो, इस वजह से यहाँ से यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 10 ग्राम की जगह वो 8 ग्राम डालने लगे गोल्ड पर्टिकुलर कॉइन के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है किस तरह से वहाँ पे अकॉर्डिंगली कंडीशंस बदली होंगी, कंडीशंस वीक हुई होंगी, ये इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं दिखाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना इकोनॉमी एंड हिस्ट्री का यहाँ पे लिंकेज क्लियरली दिखता है। बट क्योंकि ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है, तो आप वहाँ पे अकॉर्डिंगली हिस्ट्री के टॉपिक में सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले ना मनी की जब बात कर रहे हैं ना, तो कुछ मैं कॉन्सेप्ट्स के आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। जैसे कि फ़िएट मनी, ध्यान से समझना फ़िएट मनी का मीनिंग क्या होता है। देखो फ़िएट मनी के अंदर ना दो कंडीशंस हैं। कौन सी दो कंडीशंस? पहली कि वो फिजिकल कॉइन, फिजिकल करेंसी या डिजिटल कॉइन, इनके जैसा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि उसे किसी बेसिकली ना सेंट्रल अथॉरिटी ने इशू किया होना चाहिए, जैसे कि या वो सेंट्रल बैंक हो गया या किंग क्वीन कोई हो गया। जैसे कि देखो इंडिया के केस में, जैसे आप आरबीआई को जानते हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट जो नोट्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं। पहले के टाइम पे जैसे फॉर एग्जांपल ये कुशान जो थे उन्होंने ये पर्टिकुलर कॉइन्स को इशू किया था, तो कहीं ना कहीं बेसिकली कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए जो इन चीज़ों को इशू करे, और दूसरी चीज़ कि वो एक फिजिकल कॉइन, करेंसी या डिजिटल कॉइन के फॉर्म में हमें दिखनी चाहिए। तो इस टाइप के जो भी ना नोट्स वगैरह देखते हो, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं फिएट मनी की फॉर्म में आ जाते हैं। अगर ज़्यादा समझ भी नहीं आया हो कोई बात नहीं, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि बाय उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी। बट पहले अभी हम बस टर्म समझ रहे हैं, तो आप ये दो चीज़ें नोट कर लो। पहला कि फिएट मनी वो होती है जो फिजिकल कॉइन, करेंसी या डिजिटल कॉइन के फॉर्म में हो, दूसरा उसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी इशू करती है, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, कोई किंग क्वीन कुछ भी हो, ठीक है जी। ये फिएट मनी समझ आ गया। दूसरा चलते हैं एंड एक बार ना लीगल टेंडर समझते हैं कि लीगल टेंडर क्या होता है। देखो जैसे ना एक ना यहाँ समझो आप ना सेट और सबसेट तो समझते होंगे, ठीक है ना। तो अगर फिएट मनी को मैं बोल लूँ कि एक पूरा बड़ा वाला सेट है, सुपर सेट है एक तरह से, तो लीगल टेंडर उसका एक सबसेट है, उसका एक छोटा हिस्सा है। यानी कि लीगल टेंडर जो है वो एक तरह से फिएट मनी है, बट कौन सी फिएट मनी है? वो इस तरह की फिएट मनी है जो कि लीगली अलाउड है कोई भी सेटलमेंट करने के लिए। बेसिकली समझने की कोशिश करो कि कोई सामने वाला बंदा ना उसको मना नहीं कर सकता, ठीक है ना। द पर्सन कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक दैट अमाउंट इज नोन एज लीगल टेंडर। यानी कि देखो फिएट मनी क्या हुआ, फिएट मनी हुआ कि इसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी इशू करे, प्लस क्या था दूसरी चीज, ये जो हमारे करेंसी क्वाइन हो गया या करेंसी फिजिकल क्वाइन हो गया या डिजिटल क्वाइन, इनकी फॉर्म में होनी चाहिए। लीगल टेंडर भी इसी का एक छोटा सा हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? ये उस तरह का हिस्सा है जिस पर्टिकुलर करेंसी को कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे एग्जाम्पल समझो, ये 100 रुपीज का नोट है, ठीक है। अब 100 रुपीज के नोट के बारे में सोचो, इसको किस इस पर्टिकुलर चीज को क्या ये करेंसी क्वाइन या डिजिटल क्वाइन की तरह दिखता है? बिल्कुल दिखता है, ये तो नोट ही है, ये तो करेंसी ही है ना। तो ये पहली कंडीशन तो ठीक है, फिएट मनी की दूसरी पहली कंडीशन तो देखो हो गई ट्रू। दूसरी कंडीशन क्या थी कि इसे किसी ने इशू किया हो, कोई सेंट्रल अथॉरिटी ने। अब आप जानते हो कि इसको कौन इशू करता है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ये हमारे गवर्नर साहब है, जैसे यहाँ पे रघुराम राजन जी के साइन है, ठीक है ना, यहाँ लिखा भी हुआ है। ये देखो, आई प्रॉमिस टू पे द बेयर द सम ऑफ 100 रुपीज, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये किसने इशू किया गया? ये इशू किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये गारंटी किया जाता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, 100 रुपये के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पहली कंडीशन तो ठीक थी कि ये एक करेंसी की तरह दिखती है, दूसरी कंडीशन भी ठीक है कि इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी इशू कर रही है, इस वजह से ये फिएट मनी तो पक्का है, ठीक है जी। क्या ये लीगल टेंडर है? और लीगल टेंडर का मतलब मैंने क्या बताया था कि इसे कोई लेने से लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकता। जैसे समझो आप किसी पर्टिकुलर बंदे के पास गए और आपने बोला कि ना भैया मुझे ना खाना खाना है, अब मुझे आप लंच करने गए कहीं पे, और लंच आपका 100 रुपीज का बना, ठीक है। आपने उस बंदे को ये 100 रुपये का नोट दे दिया,
तो क्या वो बंदा मना कर सकता है कि नहीं भैया मैं नहीं ले रहा 100 रुपए का नोट? वो ऐसा मना कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो 100 रुपीज है ना वो इंडिया में लीगल टेंडर है। सामने वाला बंदा रिफ्यूज नहीं कर सकता उसको एक्सेप्ट करने के लिए। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं, मुझे मैं नहीं लेता 100 रुपीज। ऐसा इंडिया में बंदा कर ही नहीं सकता क्योंकि ये लीगल ड्यूटी है, ठीक है ना, ये लीगल ऑब्लिगेशन है एक तरह से। तो इसका मतलब होता है लीगल टेंडर। आई होप आप मतलब समझ गए। मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करवाऊंगा। अगर फिएट मनी क्या था, दो कंडीशन। पहला कि वो एक करेंसी, फिजिकल करेंसी, फिजिकल क्वाइन है, डिजिटल यूनिट की तरह दिखनी चाहिए। दूसरी क्या थी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, कि इसको किसी सेंट्रल अथॉरिटी ने इशू किया हो। ये हो गया फिएट मनी। और लीगल टेंडर क्या था कि एक तो वो फिएट मनी होनी चाहिए, साथ ही साथ इसको कोई सामने वाला बंदा रिफ्यूज नहीं कर सकता, उस चीज को लीगल टेंडर बोल देते हैं। कुछ और एग्जाम्पल समझो। ये देखो, ये यूएस का डॉलर है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये फिएट मनी है या नहीं है, सोच के बताना, ठीक है। देखो ये फिएट मनी बिल्कुल है। क्यों? एक तो ये करेंसी की तरह दिखती है, दूसरा इसको सेंट्रल अथॉरिटी ने इशू किया है, जो भी वहां का अकॉर्डिंगली सेंट्रल बैंक होगा उसने इशू किया होगा। पर क्या ये एक लीगल टेंडर है? देखो लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, चलो फिएट तो मनी तो हमने देख लिया, साथ ही साथ मतलब होता है कि इसको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता, इसको लेने से मना नहीं कर सकता कि अच्छा तेरे 100 रुपये बने मैं नहीं ले रहा, ठीक है ना। तो वो लीगल टेंडर के अगेंस्ट जाएगा। तो यहां पर देखो डॉलर, अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यूएस में तो ये लीगल टेंडर है क्योंकि वहां पर अगर किसी ने कुछ खरीदा किसी ने ना, और कॉरस्पॉन्डिंग डॉलर्स में उसने पैसे दिए, तो वहां पे सामने वाले बंदे को लेना पड़ेगा। पर इंडिया के अंदर ये लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अभी $1 मान लो चल रहा है 75, और आपने लंच किया कहीं पे 75 रुपीज़ का, आप उसके पास गए कि भैया ये लो $1, तो वो सामने वाला क्या बंदा मना कर सकता है? बिल्कुल मना कर सकता है। वो बोलेगा कि भैया नहीं, आप डॉलर मत दो, मुझे रुपए ही दो, ठीक है ना। तो उस आपको रुपए देने पड़ेंगे उसके इसमें, क्योंकि डॉलर इंडिया के अंदर लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। रुपी इंडिया के अंदर लीगल टेंडर है, यानी कि सामने वाले बंदे को पैसे लेने पड़ेंगे। समझ आ गया? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये देखो ये क्या है अब हमारे पास, ठीक है, आपको पता होगा चेक वगैरह। अब चेक जब होता है, चेक के पहले तो देखो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हालांकि हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे चेक नंबर होता है, यहाँ MICR कोड होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन कोड, ठीक है, यहाँ पे और अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन कोड, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी सारी चीज़ें भी आप जानते होंगे कि अच्छा यहाँ पैसे लिखने हैं, यहाँ सिग्नेचर होने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सोचो ज़रा, क्या जो हमारे ये चेक वगैरह होते हैं, क्या ये फिएट मनी है या नहीं है, सोच के बताना, ध्यान से अगर सोच लो एक बार। देखो होता क्या है कि जो चेक होते हैं, क्या ये एक फिजिकल क्वाइन, फिजिकल करेंसी या डिजिटल क्वाइन की तरह, डिजिटल यूनिट की तरह होते हैं? ये नहीं होते, ये आपको करेंसी थोड़ी ना दिख रही है, तो ये चीज़ तो फिएट मनी वहीं कैंसिल होगी, ना ही ये पर्टिकुलर सेंट्रल अथॉरिटी इशू करती है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन खत्म होगी, ये फिएट मनी नहीं है। अब क्योंकि फिएट मनी ही नहीं है तो लीगल टेंडर भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से भी समझ लो, मान लो आप कहीं गए, आप फिर से मान लो इस बार चाय समझ लेते हैं, लंच बहुत कर लिया, मान लो आप गए चाय पीने गए कहीं पे और चाय हुई 10 रुपए की, आपने उसको लिखा भैया ये लो 10 रुपए का चेक, क्या वो सामने वाले बंदे को चेक एक्सेप्ट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। वो चाहे तो मना कर देगा, वो बोलेगा कि मैं नहीं लूंगा चेक। और क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये लीगल टेंडर है ही नहीं, ठीक है, सामने वाले बंदे का ऑब्लिगेशन है ही नहीं उसको एक्सेप्ट करने का, सामने वाला बंदा इसको रिफ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आप देखते हो ना डेबिट कार्ड हो गया, हमारे जो क्रेडिट कार्ड हो गए, ये भी सेम चीज़ है, ये फिएट मनी भी नहीं है, ये लीगल टेंडर भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको चाय पीनी है तो चाय वाले को बोलो कि अच्छा भैया ये लो डेबिट कार्ड से पैसे काट लो, वो मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है। आगे चलते हैं। ये देखो अब इसके बारे में सोच के बताओ, ये 500 रुपये का ना पुराना नोट है, ठीक है ना, जो करंट नोट नहीं, वो जानते हो ना, आई थिंक 8 नवंबर 2016 को, ठीक है ना, डीमोनेटाइजेशन हो गई थी, ठीक है, याद ही होगा सबको, इतना इंपॉर्टेंट डे था। तो ये पर्टिकुलर नोट बताओ, अब क्या ये जो पर्टिकुलर नोट है, क्या ये फिएट मनी है? अगर फिएट मनी है या नहीं है तो क्या लीगल टेंडर है या नहीं है, सोचो जरा, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो और अपने ना कॉन्सेप्ट जरा ब्रश अप करो, फिएट मनी को याद करो कि फिएट मनी क्या था। एक था कि अच्छा सर एक तो हमें मतलब ना फिजिकल करेंसी जैसा होना चाहिए, ठीक है, तो क्या ये फिजिकल करेंसी जैसी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, ये तो नोट है, करेंसी की तरह ही तो है, बिल्कुल, तो करेंसी वाला तो कंडीशन ठीक है। दूसरी चीज क्या थी कि क्या ये बेसिकली ना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू की जानी चाहिए, तो इसको इशू किसने किया है? ये तो देखो RBI गवर्नर जी का ही साइन है, तो सेंट्रल अथॉरिटी भी है।
तो क्या ये सर फिएट मनी हो गया? बिल्कुल हो गया, क्योंकि दोनों कंडीशन थी ना, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे उसने सेटिस्फाई कर दी, फिजिकल करेंसी वाली भी और इशूड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी भी। ठीक है, तो फिएट मनी तो सर ठीक है, पर क्या ये लीगल टेंडर है? लीगल टेंडर का मतलब होता है सामने वाले को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो सामने वाला पैसा, मतलब सामने वाला रिफ्यूज नहीं कर सकता। पर यहाँ पर आप मान लो किसी के पास चाय पीने गए और चाय वाले को बोला भैया ये लो 500 रुपये का नोट, तो क्या सामने वाले को लेना ही पड़ेगा? जी नहीं, वो मना कर सकता है, क्योंकि ये वाले तो नोट अब आरबीआई ने वापस ले लिए। बेसिकली गवर्नमेंट का ना एक एक्ट था, कौन सा एक्ट? ये गवर्नमेंट का एक्ट था, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सीसेशन ऑफ लाइबिलिटी बिल्स, ये बिल था, बाद में ये आके एक्ट बन गया, ठीक है ना, 2017 में इसको पास किया गया था। तो यानी कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर यहाँ पर इन पर्टिकुलर नोट्स को वापस, मतलब ना एक्सेप्ट करना अब ज़रूरी नहीं था, ठीक है ना, सामने वाला बंदा रिफ्यूज़ कर सकता है, इस वजह से ये लीगल टेंडर नहीं है बट फिएट मनी है। क्लियर हुआ डिफरेंस? बहुत बढ़िया जी। एक आखिरी एग्जांपल ले लो बिटकॉइंस का। अब बिटकॉइंस के बारे में मुझे बताओ, क्या बिटकॉइंस फिएट मनी है? देखो फिएट मनी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बिटकॉइंस की जब मैं बात करता हूँ तो बिटकॉइंस फिजिकल करेंसी या डिजिटल यूनिट की तरह हमें नहीं, बेसिकली इनके एक्चुअल में फिजिकल करेंसी बिटकॉइंस का क्या है, ये फिजिकल डिजिटल कॉइन तो है, ठीक है ना, जब मैंने आपको बताया था ना कि क्या फिजिकल यूनिट, फिजिकल करेंसी डिजिटल यूनिट की तरह दिखना चाहिए, तो डिजिटल यूनिट तो है, पर इसको ना सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इसके पीछे कोई, इसको आरबीआई इशू नहीं करती या कोई किंग क्वीन इशू नहीं करता, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है। कैसे डिसेंट्रलाइज्ड है वो डिस्कस करेंगे, पर क्योंकि इसके पीछे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है ना, इस वजह से ये फिएट मनी नहीं है, और फिएट मनी नहीं है तो ये लीगल टेंडर भी नहीं है, आप रिफ्यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जरूर आपको, आप अगर किसी को बोल लो कि भैया मैं बिटकॉइन में पैसे पे करना चाहता हूँ, तो सामने वाला बंदा बिल्कुल मना कर सकता है, वो बोलेगा कि ना भैया ना, मैं नहीं लेता बिटकॉइन में। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन लीगल टेंडर है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया लीगल टेंडर क्या होता है, फिएट मनी क्या होता है, बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, अब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि फिएट मनी और लीगल टेंडर में आखिर फर्क क्या होता है। आगे चलते हैं, देखो थोड़ा लीगल टेंडर को अगर और डिस्कस करें, लीगल टेंडर में ना दो मेजर टाइप्स हैं, पहला लिमिटेड लीगल टेंडर, दूसरा अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। देखो लीगल टेंडर का मतलब तो पता है, वो चीज़ जो सामने वाला बंदा रिफ्यूज नहीं कर सकता, मतलब उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब लिमिटेड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड का मतलब आ जाता है कि किस लिमिट तक, जैसे एग्जांपल से समझ आता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आप एग्जांपल से समझो, आप मैं जैसे मैंने बोला ना कि लीगल टेंडर के सामने वाला बंदा रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मान लो आपने ना किसी के सामने मान लो 2 लाख रुपए की ना आप शॉपिंग करके आए किसी मॉल से, ठीक है। अब सामने वाले बंदे को आपको 2 लाख रुपया पे करना है, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। तो आप, या तो देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको पे करने के, पर आपने सोचा कि मैं ये काम करता हूँ, मेरे ना एक रुपए के ना जो सिक्के होते हैं 1 रुपी कॉइन, ठीक है ना, 1-1 रुपए का मैं कॉइन ले जाता हूँ, और आपने इसको बोला कि भैया ये लो कटोरी भर के कॉइन्स, अब इसको कटोरी भर के कॉइन्स को आप गिनते रहो, ये 2 लाख रुपए के कॉइन्स हैं, अब आप ले लो, ठीक है। तो क्या ये सामने वाले बंदे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? देखो अगर आप सोचो, आप बोलोगे कि सर ये 1 रुपया तो ना ये लीगल टेंडर है, सामने वाला बंदा रिफ्यूज नहीं कर सकता, तो इस हिसाब से तो इसको ये कॉइन्स लेने पड़ेंगे। पर सोच रहे हैं इसको कितनी मुश्किल होगी कि 1-1 रुपए के कॉइन हैं और 2 लाख रुपए तक इसको गिनने पड़ेंगे, तो बहुत मुश्किल होगी ना। इस वजह से ना एक लिमिट लगा दी गई है, ध्यान से समझना, मतलब इस वजह से एक लिमिट लगा दी गई है कि अच्छा 1-1 रुपए के कॉइन्स है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप कितने रुपए का सामान खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज की लिमिट लगा दी गई है, उसी को बोल देते हैं क्या हम, लिमिटेड लीगल टेंडर। अगर कुछ ऐसी चीज हो कि जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई लिमिट ना हो, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। समझ आया? बहुत बढ़िया। एक बार ना थोड़ा और एग्जाम्पल से और इसको क्लैरिफाई करते हैं, जैसे कि जैसे कॉइन्स हो गया, ठीक है ना, सिक्के। अब सिक्के आपको जानते हो कि अच्छा छोटे छोटे होते हैं, 50 पैसे का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 2 रुपए का, इनसे बहुत ज़्यादा तो आप खर्च नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं इसको, इनको लिमिटेड लीगल टेंडर बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ कि 50 पैसे से नीचे तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते, ठीक है ना, 50 पैसे के नीचे जो भी कॉइन्स थे वो विड्रा हो चुके हैं। पर अगर आप ना 50-50 पैसे के कॉइन से कुछ खरीदना चाहते हो, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे मान लो आप, मान लो ना पार्ले जी का पैकेट खरीदेंगे 5 रुपये का ये, तो क्या इसको खरीदने के लिए आप 50 पैसा का कॉइन्स लेके जा सकते हो? बिल्कुल लेके जा सकते हो, क्योंकि लिमिट है 10 रुपये तक की। अगर मान लो कुछ और बड़ा वाला पैकेट होता, ठीक है ना, कोई और बिस्किट सोच लो, ठीक है ना, जैसे ठीक है, मान लो हाइड एंड सीक है,
हाइड एंड सीक का जो बिस्किट का पैकेट है मान लो 20 रुपए का आता है, अब 20 रुपए का पैकेट खरीदने के लिए क्या 50-50 पैकेट 50-50 पैसे के सिक्के लेके ये खरीद सकते हो? आंसर है नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि 50 पैसा क्वाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो लिमिट है वो 10 रुपए है। उसी तरह से 1 रुपए एंड अबव के जो सिक्के होते हैं उनसे आप खरीद सकते हो कोई भी सामान अप टू ₹1000। पर सर आपने बोला ये लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर होने का मतलब कोई लीगल चीज होनी चाहिए ना, मतलब पीछे कोई लॉ होना चाहिए, कोई लॉ इसको ऑब्लिगेशन दे रहा है कि अच्छा भैया तुझे लेना ही पड़ेगा, तू रिफ्यूज नहीं कर सकता। वो लॉ कौन सा है? ये लिखा है द क्वाइनेज एक्ट 2011 के अंदर, कि इसका मतलब कि आपको जनरली तो देखो लीगल टेंडर का मतलब है कि आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, पर किस लिमिट तक नहीं कर सकते वो आ जाती है लिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर, यानी कि पेमेंट बियॉन्ड अ लिमिट कैन बी रिफ्यूज्ड। अगर छोटी लिमिट है ना, जैसे 50-50 क्वाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग 10 रुपए तक की, तब बंदा मना नहीं कर सकता। उससे 10 रुपए से ज्यादा का कुछ सामान खरीदने चाहो उसको रिफ्यूज किया जा सकता है। इसलिए क्या है, क्वाइंस लिमिटेड लीगल टेंडर है कि लीगली तो है ऑब्लिगेटेड आप उसको लेने के लिए, पर अगर उसका प्राइस ज्यादा है तब हाँ आप उस चीज को मना कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर एक्ट को भी आप ध्यान में रखना, ये है द क्वाइनेज एक्ट 2011। राइट, समझ आ गया लिमिटेड लीगल टेंडर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब लिमिटेड में क्या था, एक लिमिट थी कि कितने तक का सामान आपको खरीदना है। अनलिमिटेड में क्या होगा इसका उल्टा, कि वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है लिमिट के ऊपर, ठीक है ना। तो जो हमारे पेपर नोट्स होते हैं ना, मतलब 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का, 100 रुपए का, 500 का, ठीक है, ये सारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, यानी कि लेंडर इसमें रिफ्यूज नहीं कर सकता पेमेंट एक्सेप्ट करना। हर जो बैंक नोट होता है वो लीगल टेंडर है इंडिया के अंदर, ठीक है। ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और अगर देखो, क्योंकि देखो पीछे ना लॉ आ जाता है इनके पीछे, तो कहीं ना कहीं अगर सामने वाला ना रिफ्यूज करे तो उसके अगेंस्ट हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो मना करे कि भैया नहीं मैं नहीं ले रहा ये पैसे, मुझे कुछ और नोट दो, तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। देखो एक चीज ना थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ। हमारा ना एक फाइनेंस एक्ट है 2017 का, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ना एक चीज लिखी हुई है कि आप एक दिन के अंदर, ठीक है ना, आप एक दिन के अंदर 2 लाख रुपए से ज्यादा का सामान कैश ट्रांजेक्शन में नहीं खर्च सकते। आई रिपीट, 2 लाख से ऊपर का सामान आप कैश ट्रांजेक्शन के थ्रू नहीं खरीद सकते। अगर इसके ऊपर जाना है, 2 लाख से ऊपर की कुछ शॉपिंग करनी है, तो आपको चेक के थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। डिमांड ड्राफ्ट हो गया, नेफ्ट हो गया, इन सभी चीज़ों का आपको यूज़ करना पड़ेगा। एक क्यों कर किया जाता है, क्योंकि देखो कैश ट्रांजेक्शन ना कहीं ब्लैक मनी के साथ लिंक्ड होता है, तो इसलिए एक लिमिट लगा रखी है 2 लाख रुपए तक की। पर कहीं ना कहीं अगर आपसे सिंपली पूछा जाए ना कि क्या जो हमारे पेपर नोट्स होते हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं, तो आपने बोलना है जी हाँ बिल्कुल, पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। आ गया समझ। अब इसके साथ ही ना एक चीज़ और होती है कि कौन से रुपए कौन इशू करता है, मतलब सिक्के कौन इशू करता है इंडिया में, जो नोट्स हैं वो कौन इशू करता है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो मैं आपको बता रहा था क्वाइनेज एक्ट 2011 के बारे में। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ना जितने भी क्वाइंस हैं, ऑल क्वाइंस, ठीक है ना, ध्यान से देना, ऑल क्वाइंस अप टू ₹1000, तो 1000 रुपए तक के जितने भी क्वाइंस हो सकते हैं वो सारे के सारे कौन इशू करता है, गवर्नमेंट के द्वारा। उसी साथ में एक एक्सेप्शन पता क्या है, जो 1 रुपए का नोट है, ये ध्यान से ना इसको, 1 रुपए का जो नोट होता है ना वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा। एक काम करना, अगर आपको ना कहीं आसपास अपने शायद आपके पास भी हो, मम्मी पापा के पास कभी ना 1 रुपए का मान लो नोट हो, तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पे ना आपको हस्ताक्षर मिलेंगे, आपको सिग्नेचर किसके मिलते हैं, ये देखो फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है ना। तो 1 रुपए का जो नोट होता है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, ना कि आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना। तो 1 रुपए के नोट को छोड़ के ना बाकी नोट करते हैं, तो 1 रुपए का नोट कौन करता है, वो इशू किया जाता है हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जी के द्वारा। और देखो एक चीज और नोटिस करो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये 100 रुपए का नोट देख रहे हो, यहाँ ना लिखा हुआ है आई प्रोमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 100 रुपीज, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ये आरबीआई गवर्नर ने लिखा है, ठीक है ना, रघुराम राजन जी ने। पर यहाँ पर जब हम 1 रुपए के नोट की बात कर रहे थे ना, यहाँ पर ये लाइन नहीं होती कि यहाँ पे ना प्रॉमिस नहीं किया जा रहा कि आपको 1 रुपया मिलेगा ही मिलेगा, ये फाइनेंस सेक्रेटरी करता है अंडर क्वाइनेज एक्ट, इसलिए ऐसा इसमें नहीं होता। बाकी जो आरबीआई के नोट्स होते हैं ना वहां पर ये चीज होती है, ठीक है। जैसे कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ये चीज दी हुई है कि जो करेंसी नोट्स है ना 1 रुपए नोट को छोड़ के,
1 रुपए का नोट तो फाइनेंस सेक्रेटरी करेगा, उसको छोड़ के बाकी जितने नोट्स हैं वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। आपने यहाँ पे पढ़ भी लिया ये सारी चीज़ें और यहाँ पे ये लाइन भी लिखी पढ़ ली कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयर द सम ऑफ 100 रुपीज। ठीक है जी, तो ये हो गया देखो नोट्स के बारे में जो जो मैं थोड़ा ना बेसिक्स आपसे डिस्कस करना चाहता था। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें और भी पढ़नी है कि अच्छा नेफ्ट क्या होता है, RTGS क्या होता है, ठीक है ना, IMPS क्या होता है, साथ ही साथ कुछ हमें NPCI के बारे में भी और चीज़ें जाननी है, वो हम अगले लेक्चर में जान लेंगे। पर कहीं ना कहीं जो इसके बाद की एवोल्यूशन है जैसे कि ब्लॉकचेन हो गया, बिटकॉइन हो गया, NFT हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो थोड़ा हम डिस्कस आज कर लेते हैं। देखो बात करें अगर ना ब्लॉकचेन की, तो देखो ब्लॉकचेन में ना पहले तो इन वर्ड को तोड़ो, एक है ब्लॉक और एक है चेन। तो एक्चुअल में है क्या, एक तरीके की ना ये चेन बनी हुई है, ये देख रहे हो चेन। चेन क्या होता है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, क्या जुड़े हुए हैं, ब्लॉक्स, ठीक है ना। तो कुछ डब्बे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चेन के थ्रू, और इसको क्या बोल दिया, ब्लॉक चेन। अब एक डब्बे के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे कि एक होता है उसके अंदर उसका खुद का डेटा भी क्या उसके अंदर स्टोर्ड है, साथ ही साथ उसके अंदर स्टोर्ड होता है हैश। हैश क्या है, ये अगले के साथ इसको ना लिंक करता है, ठीक है ना। मतलब पहला डब्बा है उसको दूसरे डब्बे के साथ लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, वो लिंक होता है हैश के साथ। अब जैसे मान लो कि बीच वाला डब्बा है, अब बीच वाले डब्बे के पास एक तो होगा डेटा, एक चीज़ होगी इसका अगले वाले के साथ इसका जो भी हैश होगा, यानी कि किस तरह ये अगले वाले से रिलेटेड है, और ये किस तरह से पिछले वाले के साथ रिलेटेड है वो भी होगा इसके साथ। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस हैश क्या हो जाता है, जिस बेसिस से वो पिछले ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है, और ये प्रॉपर हैश क्या है, जो नॉर्मल हैश है, यानी कि वो किस तरीके से अगले वाले बॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तीन ब्लॉक्स का मैंने आपको एक चेन दिखाई, इसको बोलते हैं ब्लॉक चेन, ठीक है। ये एक तरह से ना डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, ठीक है। क्या मीनिंग होता है थोड़ा सा अभी आने वाले लेक्चर्स आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह से बेसिकली ना डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझने की कोशिश करना, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि सबके पास, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है एक तरह से कि सबके पास इसका एक्सेस है, सब देख पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से लिंक्ड है। तो कहीं ना सबको एक तरह से ना चीज़ें पता है, ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से कोई चीज़ चेंज कर देगा। जैसे एग्जांपल से समझना, मान लो इसका हैश ना ये था 6BQ1, अब ये जो इसका हैश है वो अगले वाले के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके प्रीवियस हैश के ये इक्वल होगा। अब मान लो किसी ने चेंज करने की कोशिश करी कि 6BQ1 को मैं हटा के कुछ और लिख दूँ, इसको किसी और के साथ लिंक कर दूँ, पर जैसे इसने ये चीज़ छोड़ी तो ये जो पर्टिकुलर हैश था ये इससे अलग हो गया ना, तो कहीं ना कहीं ये पीछे इसको साथ लिंक नहीं कर पाएगा। तो इससे लोगों को पता लग जाएगा कि भैया ये तो ब्लॉक जो चेन है वो कहीं ना कहीं टूट गई है, तो यानी कि कोई इंसान इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से ये चेंज करना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से ना इसको बोला जाता है कि ब्लॉक चेन बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसमें डेटा को मैनिपुलेट करना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब बात करें कि किस तरह से अगर ब्लॉकचेन में एक ट्रांजैक्शन होती है, तो समझने की कोशिश करना कि जैसे ना मान लो कि एक ट्रांजैक्शन की कोई रिक्वेस्ट आई, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, एक डब्बा बनेगा। डब्बा क्या, ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर होगा क्या, एक होगा डेटा, मैंने बताया ना आपको, एक होगा डेटा, एक होगा हैश, और तीसरी चीज़ क्या होगी, प्रीवियस हैश, ठीक है ना। मतलब बेसिकली लिंक, हैश के थ्रू लिंक बनाया जा रहा है। अब ये जो ब्लॉक बना, अब ये बाकी सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके पास जाएगा, फिर वो डिसाइड करेंगे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन जो है ये सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो लोगों के पास मतलब क्योंकि यहाँ पे पावर है, वो वैलिडेट करेंगे क्या ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ी लगती है तो अकॉर्डिंगली उस चीज़ को हटा दिया जाएगा। यही रीज़न है कि यहाँ पे ना सिक्योरिटी बनी रहेगी, ठीक है ना। तो नोड इसको वैलिडेट करेंगी एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग ना फिर जो उनको ना एक ना ये आप याद रख लेना, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, पर अगर कभी पूछ ले UPSC की प्रूफ ऑफ वर्क किससे रिलेटेड है, अब बस इतना ध्यान रखना कि अच्छा ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उनके एक तरह से उन्होंने वैलिडेट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, ये जो ब्लॉक होगा ना, क्योंकि वैलिडेट हो चुका है, अब ये ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाएगा। ब्लॉकचेन का हिस्सा बन गया, अकॉर्डिंगली वो अपडेट होगा एंड ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब क्योंकि देखो इतना ये ना, ये मैं बता रहा था ना आपको डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि यहाँ पे नोड्स वैलिडेट कर रही हैं सबके पास अकॉर्डिंगली हर किसी नोड के पास ये चीज़ें जा रही हैं, इस वजह से इसको बोल दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइज्ड भी कह सकते हो, ठीक है। लेजर का मीनिंग क्या होता है, लेजर का मतलब बेसिकली डेटा को अकॉर्डिंगली ना एक के बाद एक लिखना, तो उसको लेजर बोल देते हैं, कि एक रिकॉर्ड सा बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली ब्लॉकचेन को बनाती हैं।
ठीक है, थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और भी अच्छे से पढ़ोगे आप, बट थोड़ा सा ना इकोनॉमी के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि थोड़ा सा एटलीस्ट आपको समझ आ जाए। तो देखो और क्या चीज़ें हैं इसके, जैसे कि पहली बात है ना, थोड़े पॉइंटर्स हैं, ये लिखा है यहाँ पे सिक्योर, ठीक है, सिक्योर आप समझ गए, डिस्ट्रीब्यूटेड भी आप, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से सबके पास अकॉर्डिंग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है ना, यूपीएससी यहाँ पे ना आपको सेंट्रलाइज लिख देगी और वो स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एक डेटाबेस होता है जहाँ पे, मतलब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास एक्सेस है एक तरह से, सब हर किसी के पास ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, तो ये डिसेंट्रलाइज डेटाबेस है। लेजर का मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिया, हाईली सिक्योर भी है और एक तरह से ना एक लिस्ट बन दी जाती है, पहले एक ब्लॉक था उसमें एक और ब्लॉक ऐड हो गया तो ब्लॉक चेन बनने लगी ना, तो चेन बनने लगी तो अकॉर्डिंगली उसको क्या बोलने लग गए, ब्लॉक चेन, ठीक है। तो एक तरह से एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे अकॉर्डिंगली बनता जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको लिया कुछ बेनिफिट्स दिखा रखे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी कैसे, अभी दिखाया था ना यहाँ पे कि नोड्स वैलिडेट करती हैं ट्रांजेक्शन को, साथ ही साथ इसके पीछे ये भी दिखाया था कि कोई बंदा चेंज करने की कोशिश करा जाएगा तो अकॉर्डिंगली वो हैश अलग अलग हो जाएंगे सबके, तो अकॉर्डिंगली हमें पता लग जाएगा कि अच्छा कि कोई गड़बड़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी भी है। रिलायबिलिटी भी उसी के साथ आ जाती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि देखो कोई ना सेंट्रल पार्टी नहीं है यहाँ पे, तो जो ट्रांजेक्शन करना होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है ना। रियल टाइम ट्रैकिंग, कुछ नया चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंगली हम साथ ही साथ उसको ट्रैक कर सकते हैं, एंड सिक्योरिटी अकॉर्डिंगली इन्हेंस हो सकती है, ठीक है। देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, कहीं ना यहाँ पे छोटी मोटी यूपीएससी यहाँ पे हमारे साथ ना खेल सकता है, बोल देगा कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, या फिर इसकी सिक्योरिटी कम होती है, तो आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ें गलत है, ठीक है। इसी वजह से मैंने सारे पॉइंट्स आपके लिए यहाँ मेंशन कर दिए हुए हैं, आपको ये पॉइंट्स बस अच्छे से अकॉर्डिंगली पढ़ लेने हैं, ठीक है। और देखें, देखो इलेक्ट्रॉनिक होता है ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। पीयर टू पीयर एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज बताया ना, पीयर टू पीयर क्या होता है, जैसे मतलब एक बंदा यहाँ पर है एक बंदा यहाँ पे है, तो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन जैसे होता है ना, एक दूसरे से अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं, तो एक तरह से डिसेंट्रलाइज को भी आप पीयर टू पीयर बता सकते हो, तो ये डिसेंट्रलाइज होता है, पीयर टू पीयर होता है, किसी पे आप मतलब ये ना एक तरह से मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक थर्ड पार्टी चाहिए होती है, तो वो सेकंड पॉइंट से अकॉर्डिंगली आप रिलेट कर सकते हो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, बट कहीं ना पॉसिबिलिटी रहती है कि यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे चेंज करके आपको फंसा सकता है, तो इसीलिए हमने अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लिया। देखो इसकी एप्लीकेशंस तो बहुत सारी हैं, हमें भी नहीं पता कितनी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि नई नई एप्लीकेशंस इसकी बनती जा रही हैं। इवन ना कुछ टाइम पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शायद आपने पॉलिटी में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा, आने वाले दिनों में आप डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ोगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी देख रहा है कि किस तरह से हम ना वोटिंग को और सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है ना, जो वोट्स होती हैं उसके मतलब ना सिक्योरिटी इन्हेंस करने के लिए किस तरह से हम ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, इसके अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। फाइनेंशियल्स के अंदर तो डेफिनेटली इसकी बहुत ज़्यादा एक तरह से ना एक इम्पॉर्टेंस हो सकती है, इक्विटी मार्केट, प्राइवेट मार्केट, रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर, डिजिटल करेंसी, फ्रॉड किस तरह से कम किया जाए, मैं बात कर रहा था ना पीयर टू पीयर लैंडिंग की, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली टैकल करी जा सकती हैं। उसके अलावा भी देखो आप और चीज़ें भी पढ़ सकते हो, ठीक है, डिजिटल आईडीज में इसका यूज़ हो सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, आईओटी के अंदर, बिटकॉइन भी देखेंगे हम अभी, ऑनलाइन म्यूजिक, रियल एस्टेट, तो बहुत सारी इसकी पॉसिबल यू नो एप्लीकेशंस हो सकती हैं। देखो फ्यूचर के अंदर ना एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि इसका क्या स्कोप है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी है, तो इसकी जो एंडलेस एप्लीकेशन देयर आर डेफिनेटली पॉसिबल। अब क्योंकि हम देखो इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ना ब्लॉकचेन को आने वाले टाइम में बहुत एक ज़्यादा अच्छे लेवल पे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरत पता क्या है, ज़रूरत है कि हमारे पास कुछ राइट्स हों। राइट्स मतलब बेसिकली एक तरह से ना कि बेसिकली कहने का मतलब कि कुछ रूल्स होने चाहिए इस तरह के रूल्स की। अच्छा, जो मान लो यूज़र है जो ब्लॉकचेन के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस यूज़र के भी कुछ राइट होने चाहिए कि उसको कुछ चीज़ें मिलें, या कुछ क्या चीज़ें वो चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या उसको वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इसी तर्ज पे बनाया गया है क्या, ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स। इसी का दूसरा नाम पता क्या है, प्रेसिडियो प्रिंसिपल्स। तो कई बार इस टाइप के ना वन लाइनर क्वेश्चन भी आ जाते हैं यूपीएससी के अंदर, पूछ लेगा कि प्रेसिडियो प्रिंसिपल्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, ब्लॉकचेन के साथ। देखो जैसे मान लो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी या फिर ना एक्सेसिबिलिटी, ये चीज़ किस तरह से
हम ब्लॉकचेन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, जो लोगों का राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे इन्हेंस करना है, ठीक है ना, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या अपने डेटा पे किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, या फिर जो डेटा यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्या वो डेटा को प्रोटेक्शन भी मिल रही है या नहीं मिल रही, कहीं ऐसा तो नहीं लोगों की प्रिवेसी को कोई खतरा हो, क्या उनकी कोई सिक्योरिटी पे कुछ इशू आ जाए, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे डिस्कस करी गई हैं, ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स। और ये पर्टिकुलर ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स किसके द्वारा दिया गया है, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किया गया है लॉन्च वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। हम जब ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो ये एक तरह की ना एनजीओ है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हर साल समिट होता है डावोस के अंदर, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स भी हैं। तो वहाँ पर अकॉर्डिंगली ना ये चीज़ डिस्कस करी गई थी कि ब्लॉकचेन क्योंकि हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो एक ग्लोबल बेसलाइन बनाने की ज़रूरत है, क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए जिनको हम हर कंट्री एक तरह से ना फॉलो करे, ताकि ब्लॉकचेन को जब हम इतने लेवल पे यूज़ करें कहीं ना कहीं वहाँ पे जो यूज़र के राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा पाए। ये सारी की सारी चीज़ें ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स के अंदर डिस्कस करी गई हैं, ठीक है जी। प्रोसीडियर प्रिंसिपल्स भी आपको ध्यान में रखना है कि ये ब्लॉकचेन के साथ ही लिंक करता है। देखो ब्लॉकचेन तो समझ आ गया होगा, अब ब्लॉकचेन के साथ ही ना एक चीज़ लिंक्ड है और वो क्या है, क्रिप्टोग्राफी। देखो जो लोग ना आप में से कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होंगे आप क्रिप्टोग्राफी को मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, बट मैं सिर्फ बेसिक्स आपको बता देता हूँ क्योंकि वही हमारे लिए ज़रूरत है, हमें कोई ना यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी। बट होता क्या है, देखो जैसे मान लो ना आपने कुछ चीज़ भेजनी है, जैसे आपने कोई मैसेज भेजना है, यहाँ पे आप सेंडर हैं, यहाँ पे है रिसीवर, पर हम क्या चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर यू नो जो कम्युनिकेशन है वो एक तरह से सिक्योर हो, सामने बीच में कोई इस पर्टिकुलर मैसेज को पढ़ ना ले, पढ़ भी ले तो उसको समझ ना आए कि क्या मैसेज है। तो ये जो पर्टिकुलर हेलो मैसेज है ना इसको एक तरह से ना इनकोड इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। इनक्रिप्ट करने का मतलब ये जो हेलो है ना ये हेलो ना रह के कुछ इस टाइप का वर्ड बन जाएगा, ठीक है। जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग नहीं करते सी सेट में अंदर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट इतना ईजी नहीं होता, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वर्ड को यहाँ पे अकॉर्डिंगली इनक्रिप्ट कर दिया गया, फिर ये यहाँ पे जब रिसीवर एंड पे पहुंचा तो यहाँ पे ये डिक्रिप्ट कर देगा। यहाँ पे ना कीज़ होती हैं कुछ पब्लिक की प्राइवेट की, वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर यहाँ पे अकॉर्डिंगली ना कीज़ होती है, इस कीज़ के बेसिस पे ये जो पर्टिकुलर साइफर टेक्स्ट था इसको वापस से जो नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाएगा। इससे हुआ क्या, इससे हुआ सिक्योर कम्युनिकेशन। अगर बीच में किसी ने जो मैसेज है उसको इंटरसेप्ट भी कर लिया ना, बट फिर भी उसको पता नहीं लगा कि मैसेज में आखिर भेजा क्या गया था, क्यों, क्योंकि हमने क्रिप्टोग्राफी की मदद से इस मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया था, इस मैसेज को इसका वर्जन ही चेंज कर दिया। जब वहाँ पे रिसीवर के पास जो प्रॉपर की है वो इसको डिक्रिप्ट कर लेगा, उसके पास प्रॉपर मैसेज पहुँच जाएगा। यही क्रिप्टोग्राफी का ही मैकेनिज्म है जो हेल्प करता है यहाँ पे सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए। अब बात कर रहे हैं क्रिप्टोग्राफी की, तो ज़रा बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की भी, ठीक है ना। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह से ना वर्चुअल करेंसी आप मान सकते हो, ठीक है ना, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो हमने पढ़ी, ठीक है, उसी का ही यूज़ हो रहा है। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था, यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, यही इसका ना सबसे आप मेन पॉइंट मान सकते हो कि यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जैसे कि जैसे बाकी आप करेंसी देखो, मैंने सारे आपको नोट दिखाए, ठीक है ना, क्वाइंस दिखाए, इनको कोई ना कोई इशू कर रहा है। जैसे नोट हमारे आरबीआई के द्वारा इशू किए जा रहे थे तो आरबीआई क्या थी, सेंट्रल अथॉरिटी। पर क्रिप्टो करेंसी में ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है ना, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, और यही एक मेजर रीज़न है ना, इसका आप एडवांटेज भी बोल सकते हो और यही सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज भी है। कैसे, मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट ना क्रिप्टो करेंसीज देख लो, बिटकॉइन का नाम आई एम वेरी श्योर कि आपने डेफिनेटली सुना होगा, पर कुछ और नाम भी देख लो, जैसे डोजी कॉइन एक बहुत ही फेमस क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है ना, लाइट कॉइन, इथीरियम, रिपल, लक्ष्मी कॉइन, ये सारे क्रिप्टो करेंसीज के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। देखो थोड़े से ना एग्जांपल्स भी ध्यान में रख लेने चाहिए। एक्चुअल में क्या है, देखो 2019 में ना कुछ इंडिया में साइबर अटैक्स हुए थे, कुछ इनके अजीब अजीब से नाम थे, तो यूपीएससी ने बस इतना पूछ लिया था कि अच्छा ये पर्टिकुलर जो नाम है ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं, तो सिर्फ अगर नाम भी सुने होते ना तो लोग आंसर कर देते कि अच्छा ये तो साइबर अटैक्स के नाम है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बार बार न्यूज़ में आती रहती है, इनकी ना वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती हैं, आजकल जनरली वैसे नीचे ही चल रही हैं, बीच में काफ़ी ऊपर भी गई थी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्योंकि न्यूज़ में रहती है तो यहाँ पर भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है कि आपसे पूछ ले कि अच्छा इथीरियम, रिपल, लक्ष्मी कॉइन ये क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि ये क्रिप्टो करेंसीज के ही प्रकार हैं। देखो थोड़ा सा मैं आपको बिटकॉइन के बारे में अगर बताऊँ, क्योंकि बिटकॉइन ही सबसे पॉपुलर आप जानते हो क्रिप्टो करेंसी है, तो इसको देखो जो
किस बंदे ने बनाया है इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को, तो ऐसा पता नहीं है कि किसने बनाया है। बस हमारे पास ना एक नाम है, दैट इज सतोशी नाकामोटो। अब ये इंडिया का बंदा है, यूएस का है, जापान का है, कोई आइडिया नहीं है किसी को कि कौन बंदा है। बस इस एक पर्टिकुलर नाम है जिसने एक तरह से ना इस पर्टिकुलर करेंसी को अकॉर्डिंगली आप मान सकते हो बनाया है। पर आप समझ गए कि बेसिकली बिटकॉइन क्या है, एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। तो सर क्रिप्टो करेंसी को हम कैसे, हमें हमारे पास मिल कैसे सकती है, हम क्रिप्टो करेंसी को अगर ऑब्टेन करना हो तो वो कैसे करेंगे? देखो क्रिप्टो करेंसी को ना अगर आपको ऑब्टेन करना हो तो कहीं ना कहीं आपके पास वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंगली तीन तरीके बन जाते हैं। अब सर ये तीन तरीके कौन से हैं जिसके द्वारा हम बिटकॉइन ऑब्टेन करें? पहला है बिटकॉइन की माइनिंग। हाँ जी, बिटकॉइन की माइनिंग होती है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि अगर हम ओनर के साथ गुड्स को एक्सचेंज करें, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है ओनर के साथ गुड्स को एक्सचेंज करें। देखो समझाता हूँ, बिटकॉइन माइनिंग में थोड़ा अगली स्लाइड पे डिस्कस करूंगा, पर मान लो आपके पास ना, आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। मान लीजिए आप टीवी की फैक्ट्री में हो, ठीक है ना, आप टीवी बनाते हो। एक पर्टिकुलर बंदा आया आपके पास, ठीक है ना, उसने आपको बोला कि भैया आपका टीवी कितने का है? आपने बोला 50,000 रुपये का है। तो इसने बोला कि ठीक है आप मुझे दे दो, मैं आपको बदले में 50,000 रुपये का बिटकॉइन दे दूंगा। तो अगर आप इस तरीके से अपने पास, आपके पास बिटकॉइन आ सकता है। या फिर एक तरह से ना जो तीसरा मैकेनिज्म है कि आप लीगल टेंडर के साथ इसको एक्सचेंज कर सकते हो। आप जैसे ना आजकल मार्केट में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं, आप वहाँ पे रुपीस पे करो। रुपीस क्या है? लीगल टेंडर। और लीगल टेंडर देके आप बदले में उससे बिटकॉइन ले सकते हो, ठीक है ना। वेरी श्योर आपने डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टोकरेंसी ऐप्स के बारे में सुना होगा। तो ये पर्टिकुलर दो तरीके तो ऑब्वियसली लॉजिकल हैं। पहला तरीका एक बार समझ लेते हैं कि सर ये माइनिंग का मतलब क्या होता है। देखो माइनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ना एक तरह से ना बिटकॉइन के माइनर्स होते हैं। तो क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट ना कुछ टफ जो होते हैं एल्गोरिथम्स कह लो, या डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं इनके सामने। कोई बहुत ही मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत उनको सॉल्व करना होता है। तो बिटकॉइन माइनर्स ना बहुत सारी एनर्जी, यानी कि सीपीयूस जो कि एक दूसरे के साथ लाइन में लिंक्ड होते हैं, उनको यूज करते हुए ये पर्टिकुलर चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं। एंड उसको सॉल्व करने के बजाय के बदले में उनको बेसिकली बिटकॉइन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसी को बोल देते हैं क्या, बिटकॉइन माइनिंग। यानी कि एल्गोरिथम को जो बंदा क्रैक कर सकता है उसमें मतलब बिटकॉइन को माइन किया जा सकता है। यहाँ पे देखो एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें बहुत ही हाई एडवांस्ड मतलब ना प्रोसेसिंग यूनिट्स को यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। ये हमारे एनर्जी बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट के लिए एंड पोल्यूशन के लिए, मतलब एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हो कि हानिकारक चीज़ है बिटकॉइंस, ठीक है ना, क्योंकि माइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एंड अकॉर्डिंगली वो पोल्यूशन कॉज करती है, ठीक है। तो समझ आ गया तीन के तीन तरीके। देखो ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा आइडिया हो इन चीज़ों के बारे में। तो UPSC वही मेजरली चीज़ें पूछती है, पर क्योंकि ना थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। देखो इतना टेक्निकल हमें वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इग्नोर भी कर सकते हो, बाकी के जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो आपके साथ साइंस एंड टेक में डिस्कस कर लिए जाएंगे। एक ना छोटी सी मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में अभी क्या स्टेटस है। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, 2017-18 के हिसाब से ना कुछ दो कमेटीज बनी थी। एक थी दिनेश शर्मा कमेटी, ठीक है ना, और दूसरी थी सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी। इस कमेटी के पास ना बेसिकली पूछा गया कि क्रिप्टो करेंसीज को क्या करना चाहिए, क्या हमें इंडिया में बिटकॉइन को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट, इस तरह के सवाल आए। तो मोस्टली ना दोनों जो पर्टिकुलर कमेटीज थी, चाहे वो दिनेश शर्मा कमेटी कह लो या सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी कह लो, इन्होंने बोला कि हमें क्रिप्टो करेंसीज अलाउ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद देखो क्या हुआ, फिर RBI ने इस चीज़ पे अकॉर्डिंगली बैन भी लगा दिया कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। जो डिफरेंट डिफरेंट और ना और जो बेसिकली डिफरेंट कंपनीज थी जो इस फील्ड में काम कर रही थी, वो अकॉर्डिंगली तो काफ़ी इससे मतलब यू नो काफ़ी इनको अच्छा नहीं लगा ये पर्टिकुलर डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो वो अकॉर्डिंगली चले गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन को हटा दिया और उन्होंने बोला कि अगर आपको रेगुलेट करना है ना तो रेगुलेट डेफिनेटली कीजिए, पर आप किसी के ऊपर ऐसे ब्लैंकेट बैन मत लगाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली डिस्कस हुई, ठीक है ना, ये पुरानी स्टोरी हो चुकी है, अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि मुझे आपको आज का स्टेटस बताना था तो थोड़ा मैंने आपको क्विकली इसकी पिछले की हिस्ट्री आपको समझा दी। अभी देखो जो करंट बजट था ना, इस साल का ही जो बजट था, उसमें एक चीज़ बोली गई है कि April 1, 2022, ठीक है ना, तब से क्या होगा, तब से जो हमारे ना वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, यानी कि ये डेट तो अब निकल चुकी है, बेसिकली ये चीज़ अब एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है, कि जो हमारे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं यानी कि क्रिप्टो करेंसी,
इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हम जब ये ट्रांसफर होंगे ना, मतलब बेसिकली जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इनकम होगी, तो इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो करेंसी ये टैक्सेबल होगी कितने पे, 30% पे। तो यानी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग 30% का इनकी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और ये पर्टिकुलर जो इनकम आएगी ना क्रिप्टो करेंसी, मान लो आपने के कॉरस्पॉन्डिंग आपने इनकम करी, ये आपको तब भी लगानी पड़ेगी अगर आप 2.5 लाख के लिमिट से नीचे भी हो। तो यानी कि बहुत ही हैवी टैक्स लगाया गया है एक तरह से क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टेटस है जो करंटली है, यानी कि ये 30% वाली फिगर आप डेफिनेटली अपने दिमाग में रखिएगा, कितने परसेंट टैक्स लगाया जा रहा है, वो है 30%, ठीक है। कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स मैंने यहाँ पे आपके लिए ना हाईलाइट किए हुए हैं। पहला पॉजिटिव क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी अवेलेबल नहीं है बीच में। तो जैसे मतलब ना मान लो कि जैसे बैंक होता है, ठीक है ना, आपने आप ए पर्सन हो, यहाँ बीच में यहाँ बी पर्सन है, यहाँ बीच में आरबीआई आ गया या और बैंक्स आ गए, तो अगर आपने ए से बी को पैसे भेजने हैं तो बीच में ये बैंक्स आपसे ना कुछ पैसा ले लेते हैं वहां से वहां ट्रांसफर करने का। पर क्रिप्टो करेंसी में ये तो थर्ड पार्टीज कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब थर्ड पार्टी कैंसिल आउट हो जाएंगी तो कॉस्ट बचेगी आपकी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ गया। उसके अलावा देखो प्राइवेसी प्रोटेक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, लोगों के पास ज्यादा पावर होती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, साथ ही साथ यहाँ पे लो एंट्री बैरियर भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली देखा जाता है। देखो पॉजिटिव तो ठीक है समझ गए, पर मेजर इश्यू इसके नेगेटिव्स के साथ है। कैसे? पहली चीज है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। देखो यहाँ पे ना चीज आती है एनोनिमिटी की। एनोनिमिटी मतलब आपको सामने वाले का पता ही नहीं है कि आप जिस बंदे के साथ बात कर रहे हो वो कौन है। जैसे आपने ना मान लो ए से बी के पैसे भेजने हैं, ठीक है, तो आपको पता है ना कि भैया बी कौन है, ये बैंक को भी पता है कि बंदा बी कौन है, ठीक है ना, अब KYC नॉर्म्स वगैरह होते हैं, नो योर कस्टमर। पर जब आप मान लो बिटकॉइन भेजना है मान लो, तो हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि ये बी बंदा जिसको आप बिटकॉइन भेज रहे हो ये कौन है, क्या ये बंदा भी है, ये कौन है, आपको कोई आइडिया ही नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनोनिमिटी प्रमोट होती है। अब एनोनिमिटी प्रमोट होती है तो उससे आ सकती है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। कैसे? मान लो जब आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला बंदा है कौन, तो आप जिसको पैसे दे रहे हो वो पैसे को क्या यूटिलाइज करेगा पता नहीं। इसके साथ ही साथ देखो क्योंकि यहाँ पे आरबीआई हो गया या बैंक्स हो गया ये इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है, तो हो सकता है कि जो पैसा इधर से उधर जा रहा हो इन फॉर्म ऑफ बिटकॉइन या बाकी जो क्रिप्टो करेंसी, वो हो सकता है कि टेररिस्ट के लिए यूज हो रहा हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। यही एक मेजर रीज़न है कि आरबीआई इन चीज़ों को ना हटाना चाहता था, बट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मना किया कि डेफिनेटली इसको रेगुलेट कर सकते हो पर बैन नहीं लगा सकते। वहाँ पे एक मेजर रीज़न देखो आपको डेफिनेटली अगर आपसे क्वेश्चन मेंस के अंदर आ जाता है तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हमारी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये चीज़ नोटिस करी हुई है कि काफ़ी केसेस में जब पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करना होता है अनोनिमस तरीके से, तो ऑब्वियसली बैंक के थ्रू तो पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं, वो अब जाने लग गया है बिटकॉइंस या बाकी क्रिप्टो करेंसीज की फॉर्म में। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी मैंने आपको समझा दिया कि जब माइनिंग होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत हैवी प्रोसेसिंग यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके उन एल्गोरिथम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है, तो इस वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इसका एक मेजर नेगेटिव होता है। उसके अलावा देखो वॉलेटिलिटी, अब होता क्या है देखो अगर आप थोड़ा न्यूज़ फॉलो करते हो, एक दिन आप देखोगे कि अच्छा बिटकॉइन सर 50,000 रुपये पहुँच गया, ठीक है ना। देखो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वैल्यूज़ क्या है बट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक दिन आप सुबह देखते हो कि 50,000 पहुँच गया, दो दिन बाद देखते हो कि वैल्यू इसकी 20,000 रहेगी, फिर तीसरे दिन देखते हो कि अच्छा सर 60,000 पहुँच गया। देखा होगा ना ऐसे, मतलब ये तो आर्बिट्रेरी फिगर्स ले रहा हूँ बट ऐसे अचानक ही एक दिन में इसकी पैसा डबल हो जाता है, फिर पैसा आधा हो जाता है, तो इस तरह से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है कि एक दिन अचानक ऊपर एक दिन अचानक नीचे। तो काफ़ी बार क्या होता है जो हमारे जैसे ना मेरे और आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है ना, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, मान लो 50,000 इन्वेस्ट करना है हमने, तो कहीं ना कहीं हम अपना पैसा यहाँ पे गवा सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो वॉलेटिलिटी की वजह से लोगों पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का देखा जाता है। तो ये समझ आ गए पॉजिटिव्स क्या थे क्रिप्टो करेंसी के, नेगेटिव्स क्या थे। इसके साथ ही ना एक लिंक्ड चीज़ है, हालांकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है पर थोड़ा सा ना मैं आपको यहाँ पे इसके साथ ही बताना चाहता हूँ। देखो आप जैसे गूगल यूज़ करते हो, ठीक है ना, बिंग हो गया, विकिपीडिया हो गया, ये सब यूज़ किया है, तो कैसे यूज़ करते हो? मान लो आपने सिंपली गूगल पे गए और कोई चीज़ सर्च करनी हो, ठीक है ना, तो वो डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो, वहाँ कोई लिमिट तो है नहीं, ठीक है ना। जैसे आप ना मान लो कि कुछ सर्च करना है कि कोई भी चीज़, जैसे ना कि ये देख मान लो कि फ्रेंडशिप डे के बारे में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है,
तो सिंपली आप क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे और आपको डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो जाएगी, है ना। विकिपीडिया पे भी इसी तरह से आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। तो इस चीज़ को पता क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोला जाता है सरफेस वेब, जो कि सबको एक्सेस होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है डीप वेब। अब डीप वेब के अंदर पता क्या होता है, जैसे कि आपका जीमेल, अब जीमेल के अंदर भी आपका बहुत सारा डेटा पड़ा होगा, जैसे आपके हो सकता है मेडिकल रिकॉर्ड्स आपकी जीमेल के अंदर हो, ठीक है ना, या याहू मेल के अंदर हो, कहीं पर भी मतलब, या आपकी फेसबुक के अंदर सोशल मीडिया के अंदर आपका कोई डेटा हो, ठीक है। अब ये डेटा अगर किसी को एक्सेस करना है तो वहाँ पर आपका पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है ना, आपका यूजर नेम पासवर्ड लगेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका अच्छा जो जीमेल पे डेटा है वो कोई बंदा रैंडमली गूगल पे जाके करेगा और उसको मिल जाएगा, नहीं। ये वाली चीज़ें तो तभी एक्सेस हो सकती हैं जब आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड हो, जैसे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ये सारा का जितना भी डेटा है ना, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन तभी एक्सेस करी जा सकती है जब आपका उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे यूजर नेम एंड पासवर्ड आप एंटर करोगे। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं डीप वेब। एक तीसरी चीज़ होती है पता क्या, डार्क वेब। ये डार्क वेब बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। इसको ना देखो, डार्क वेब ना एक्चुअली बहुत ही एक तरह से ना ये नेगेटिव एक तरीका है, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मान लो कोई ना गन खरीदनी हो, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, मान लो कि कुछ ट्रैफिकिंग करनी हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, या फिर मान लो किसी को मारना हो, ठीक है, यहाँ पे मान लो किसी ने बोला कि मैं तुझे 50,000 रुपये दे दूंगा, तू इस बंदे को मार दे, तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे हो रही हैं, ये ट्रांजेक्शन हो रही हैं डार्क वेब के ऊपर। अब डार्क वेब क्या होता है, इसके लिए ना द अनियन रिंग करके एक सॉफ्टवेयर आता है, टॉर, द अनियन रिंग, कुछ और भी होते हैं सॉफ्टवेयर, पर मोस्टली टॉर जो द अनियन रिंग होता है वो सबसे पॉपुलर है। ये चीज़ें मतलब हम इनको एक्सेस कर ही नहीं सकते अगर बिना हम इन ब्राउजर्स को यूज़ करते हुए। तो ये सारे के साथ जो इनलीगल इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये यहाँ पे अकॉर्डिंगली डार्क वेब के अंदर स्टोर होती हैं। और कहीं ना कहीं देखा गया है कि डार्क वेब के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है ना, उसके पीछे बिटकॉइन, क्रिप्टोकरेंसी, इनको यूज़ किया जाता है। तो अब रिलेट कर पा रहे हो कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग का पॉइंट कहाँ पे आया। थोड़ा सा मैं अगर दोबारा से यहाँ पे डायग्राम आपको बताऊँ तो देखो, ये हो गया सरफेस वेब जो सबको दिख रहा है। फिर नीचे यहाँ पे आ जाता है क्या, नीचे आ जाता है ये पूरा का पूरा ना, ये देखो ये ऊपर वाला इतना हिस्सा सरफेस वेब, ये पूरा का पूरा डीप वेब। और इसी डीप वेब का ना नीचे छोटा सा एक हिस्सा होता है, ठीक है ना, एक नीचे वाला इसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको बोल देते हैं अकॉर्डिंगली हम उसको हम नीचे वाले हिस्से को हम बोल सकते हैं क्या, डार्क वेब, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप नीचे वाले नोट कर लेना, एक्चुअली में थोड़ा मेरा पेन रुकना चलना बंद कर चुका है, तो बस आप नीचे वाले हिस्से को एक बार ना समझ लेना कि अच्छा सर ये नीचे वाला जो हिस्सा है डीप वेब का कुछ पोर्शन, दैट इज नोन एज डार्क वेब, ठीक है। यहाँ पे भी आप फिगर में देख सकते हो कि जो मोस्ट ऊपर वाला हिस्सा है ना, तो दैट इज सरफेस वेब जो हमें दिख रहा है, पूरा का पूरा नीचे जो हमें नहीं दिख रहा दैट इज डीप वेब, एंड डीप वेब का ही एक नेगेटिव पार्ट है दैट इज डार्क वेब। आई होप आपको ना सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं नॉन फंजिबल टोकन के बारे में, ठीक है, अभी पेन चल गया। तो नॉन फंजिबल टोकन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो NFT, ठीक है, आपने सुना होगा NFT के बारे में, नॉन फंजिबल टोकन। अब मैंने ना आपको पिछले लेक्चर में फंजिबिलिटी के बारे में समझाया था। फंजिबिलिटी मैंने क्या बताया था कि जिसको हम डिवाइड कर पाएँ, ठीक है ना, जिसका बेसिकली जिसको हम चेंज कर पाएँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 100 रुपीज़ का नोट है, मान लो 100 रुपीज़ के नोट को हम 10 रुपये के 10-10 नोट में भी तो इक्वल प्राइस है, ठीक है ना, एक 100 रुपये का नोट है या सामने 10 रुपये के हमारे पास 10-10 नोट है, वैल्यू तो एक ही है, हम जो सामान इससे खरीद पाएंगे वही सेम चीज़ इससे खरीद पाएंगे। इसको हम फंजेबिलिटी बोल देते हैं कि उस चीज़ को हम डिवाइड या चेंज कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे टोकन्स हमारे पास होते हैं जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ये इररिप्लेसेबल होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है ना। और दरअसल में ना ये NFT कहाँ यूज़ होते हैं, ये एज अ जो हमारे डिजिटल एसेट्स होते हैं ना उनके कॉरस्पॉन्डिंग यूज़ करे जा सकते हैं। जैसे आप सिंपली एक चीज़ सोचो कि मान लो कि कोई एक फ़ोटो है, ठीक है, मान लो ये रियल मैड्रिड का कोई ना फोटो है, कोई फुटबॉल क्लब की मान लो फोटो है, ये ओरिजिनल फोटो कौन है, किसकी है, मतलब ये इसका ओनर कौन है। या सिंपली सोचो, ये आपको फोटो देख रहे हो, ये वाली फोटो, ठीक है, ये फोटो का ओनर कौन है, पता है आपको? खुद मुझे भी नहीं पता कौन है, ठीक है ना, मैंने तो सिंपली गूगल से फोटो उठाई और यहाँ पे पेस्ट कर दी, पर इसका ओनर एग्जैक्टली होना कौन चाहिए इस पर्टिकुलर। इसी तरह से मान लो किसी ना किसी सेलिब्रिटी की कोई फोटो है, या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मोनालिसा है, मोनालिसा की तो हमें ओनर पता होगा, पर मोनालिसा मान लो अगर डिजिटल फॉर्म में हो तो उसका ओनर कौन है, क्या हम इस बात को जानते हैं, नहीं जानते। अब पिछले कुछ सालों से कोशिश की जा रही है कि जो डिजिटल फॉर्म में चीज़ें हैं ना, इनकी भी हम ओनरशिप कहीं ना कहीं लेकर आएँ,
जितने भी आर्ट वर्क होते हैं, जितने भी म्यूजिक होते हैं, इनकी भी हम ओनरशिप लेकर आए। तो इस वजह से इनको ना NFTs को अकॉर्डिंगली खरीदा जाता है, ताकि ये एक तरह के यूनिक टोकन बन जाएं, ताकि हम इनकी ओनरशिप डिसाइड कर पाएं। अब इस ओनरशिप के पीछे भी ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही है। ब्लॉकचेन से होता क्या है कि बेसिकली ये किसी और के पास नहीं जा सकती, ठीक है ना। हम कोई और चेंज करने की कोशिश करें तो वो नहीं कर पाएगा, काफ़ी सिक्योर हो जाएंगे। और क्योंकि ये नॉन फंजिबल है तो इसको चेंज या डिवाइड नहीं करा जा सकता, ठीक है ना। तो इस वजह से हर आर्ट फॉर्म क्योंकि डिफरेंट होती है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, नॉन फंजिबल एंड यूनिक टोकन। तो यहाँ से आप फंजिबिलिटी के साथ इसको रिलेट कर सकते हो। आई होप आपको ना एटलीस्ट बेसिक समझ आ गए होंगे NFT के। बाकी जो भी और डिटेल्स होंगी हम साइंस टेक में थोड़ा और देखेंगे, कुछ करंट अफेयर्स में और लिंकेज होगा तो आप वहाँ से भी अकॉर्डिंगली इस चीज़ को पढ़ना। बाकी और भी हम अकॉर्डिंगली आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। देखो अब ना कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर UPSC के ही क्वेश्चन है। आई थिंक टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सारे के सारे 5 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक करोगे, ठीक है। तो कोशिश करना इनको सॉल्व करने की, वीडियो पॉज कर लो, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर ट्राई करो सॉल्व करने की। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी, कि लीगल टेंडर मनी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। चारों पढ़ो, इज द मनी विच इज स्टैंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफरे फी ऑफ लीगल केसेस, मनी विच इज अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, द बैंक मनी इन फॉर्म ऑफ चेक्स ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, या ऑप्शन डी मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन द कंट्री। सोचो जरा क्या था, देखो ध्यान से याद करो हमने क्या डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर बी क्या था, लीगल टेंडर मनी। बहुत ध्यान से, मैंने फिएट मनी आपको समझाया था, उसकी दो कंडीशन समझाई थी, एक कि वो फिजिकल करेंसी फिजिकल यूनिट की तरह या डिजिटल यूनिट की तरह दिखनी चाहिए, दूसरी चीज़ क्या थी कि वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू की जानी चाहिए। पर जब बात आई थी लीगल टेंडर मनी की, मैंने यही तो बोला था कि सामने वाला बंदा उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, यानी कि ही इज अंडर कंपल्शन, उसको कंपल्शन है, ही हैज टू एक्सेप्ट इट। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, वहां पे उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, देखो 2018 में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने बहुत ही डिटेल में जाना कि लीगल टेंडर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें लीगल टेंडर होती हैं नहीं होती, लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, ये भी हमने जाना। आई होप आपको सब चीज़ें याद होंगी, राइट। तो ये 2018 का क्वेश्चन था, आई एम वेरी श्योर कि आप सभी ने ठीक किया होगा। उसी तरह से ये 2020 का क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने की, पॉज कर लो वीडियो अगर चाहिए तो। यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स, क्या ऐसा होता है। ऑप्शन टू देखो, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट, एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनी बॉडीज परमिशन। अब ब्लॉकचेन का आप जानते हो कि यहाँ पे तो यही चीज़ है कि हाँ भैया पब्लिक लेजर तो है, ठीक है ना, बताया था ना डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। अब डिस्ट्रीब्यूटेड है डिसेंट्रलाइज्ड है तो ऑब्वियसली बात है कोई सिंगल यूजर तो कंट्रोल करेगा नहीं, तो स्टेटमेंट वन तो पक्का ठीक है। तो मैंने देखा कि अच्छा 2-1 यहाँ नहीं था तो सी तो गलत हो गया। अब स्टेटमेंट टू पढ़ो, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल डेटा इन इट अबाउट क्रिप्टोकरेंसी ओनली। देखो क्रिप्टोकरेंसी इस पर डिपेंड जरूर करती है, पर क्या यहाँ पे सिर्फ डेटा क्रिप्टोकरेंसी के बारे में ही होता है और किसी चीज़ के बारे में नहीं होता, ऐसा नहीं है, बाकी चीज़ों के बारे में भी हो सकता है। तो ऑप्शन टू भी गलत हो गया। अब हमें पता लग गया कि ऑप्शन या तो ए है या डी है। अब इनमें ज़रा देख लेते हैं कि ऑप्शन थ्री क्या कह रहा है। थ्री कह रहा है, स्टेटमेंट थ्री, एप्लीकेशन दैट डिपेंड अपॉन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनी बॉडीज परमिशन। क्या ये सारे जो फीचर्स हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंगली ना एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे थे, हमने बोला था कि अनलिमिटेड एप्लीकेशंस हो सकती हैं ब्लॉकचेन की, उसके लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है डिसेंट्रलाइज्ड है तो लोगों को जो हिसाब से अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन डेवलप करनी हो वो कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट थ्री भी ठीक है। आंसर क्या बना मेरा, आंसर बना ऑप्शन नंबर डी, 1 and 3 ओनली। आई होप आप सभी ने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी ठीक किया हो। तो ये क्वेश्चन था 2020 का। आगे चलते हैं, 2016 में भी देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो हमने आज चीज़ें पढ़ी, कितने क्वेश्चन पूछे गए, अभी और भी आएंगे। यहाँ पूछा बिटकॉइंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ें करेक्ट हैं। पहला, बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, क्या बिटकॉइंस सेंट्रल बैंक के द्वारा ट्रैक किए जाते हैं। दूसरा देखो, एनी वन विद अ बिटकॉइन कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन, बेसिकली सॉरी बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन फ्रॉम एनी वन एल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस। स्टेटमेंट थ्री,
ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंट विदाउट ईदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर। अब चलते हैं पहली स्टेटमेंट, क्या बिटकॉइन को सेंट्रल बैंक के द्वारा ट्रैक किया जाता है? देखो बिटकॉइन के अंदर तो हमने पढ़ा ही यही कि वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई सेंट्रल बैंक का रोल नहीं होता, और यही इसका एक तरह से बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है ना। यही तो हमने चीज पढ़ी थी और हमें पता लग गया कि वन गलत है, तो ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन ए गलत, आंसर होगा बी या सी में से। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, किसी बंदे के पास जिसके पास बिटकॉइन एड्रेस होता है वो किसी और बंदे को जिसके पास बिटकॉइन एड्रेस है उसको सेंड या रिसीव कर सकता है, बिल्कुल यही तो होता है पीयर टू पीयर एक तरह से, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट टू तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट थ्री, ऑनलाइन पेमेंट कैन बी डन विदाउट नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर। मैंने भी आपको यही बताया था कि अनोनिमिटी यहाँ पे होती है, आपको पता ही नहीं सामने वाला जिसको आप भेज रहे हो वो कौन है, क्या वो बंदा है, कहाँ रहता है, नहीं पता, तो ये चीज़ भी ठीक है। स्टेटमेंट टू भी ठीक है, स्टेटमेंट थ्री भी ठीक है, आंसर क्या बना? ऑप्शन बी, टू एंड थ्री ओनली। तो 2016 वाला क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल सही ढंग से आंसर कर दिया। आगे चलते हैं, देखो 2022 में एक क्वेश्चन आया थोड़े अभी ना इसी साल में, यहाँ क्या पूछा गया नॉन फंजिबल टोकन के बारे में, NFT, विद रेफरेंस टू NFT कंसिडर द फॉलोइंग। पहला, दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स को डिजिटली कैसे रिप्रेजेंट करें, क्या NFT के द्वारा हो सकता है? दूसरा, ये क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स होते हैं जो ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा, ये ट्रेड या एक्सचेंज किए जा सकते हैं एट इक्वलेंसी और एक तरह से मीडियम हो सकते हैं कमर्शियल ट्रांजेक्शन का। ज़रा ट्राई करना है इसको सॉल्व करने की। यहाँ देखो क्या हुआ, पहला जैसे पढ़ा कि ये डिजिटल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करते हैं फिजिकल एसेट्स का, बिल्कुल यही तो डिस्कस किया था कि कैसे हम ओनरशिप बेसिकली डिजिटली इन चीज़ों की इंश्योर कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ स्टेटमेंट टू भी बिल्कुल ठीक है कि क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स मतलब होते हैं ना जो ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करते हैं, ये पॉइंट भी ठीक है। अब बट स्टेटमेंट थ्री ना एक्चुअल में गलत है, अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ करी मैं समझा देता हूँ क्यों। देखो, एक होता है NFT, एक होता है क्रिप्टोकरेंसी, ठीक है। देखो क्रिप्टोकरेंसी क्या होती है, ये तो एक तरह की करेंसी होती है और करेंसी तो आप जानते हो थोड़ा ना फंजिबल होती है, यानी कि इसको चेंज किया जा सकता है, राइट। अब इसको देखो चेंज किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं जैसे ना एक मान लो आपके पास ना कोई पर्टिकुलर करेंसी है, कोई क्रिप्टो करेंसी है, मान लो बिटकॉइन हो गया, एथीरियम हो गया, तो आपके पास चाहे एक एथीरियम है या आपके पास एक बिटकॉइन है और सामने वाले के पास मान लो एक बिटकॉइन है, उसकी वैल्यू तो सेम है। पर जो NFT होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन फंजिबल। एक जो NFT है ना उसकी वैल्यू दूसरे NFT के इक्वलेंट नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग होती है, सारी चीज़ें यूनिक होती हैं। इसी वजह से देखो इन चीज़ों को ट्रेड या एक्सचेंज इक्वलेंसी पे नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें जो ट्रेड एंड एक्सचेंज वाली होती हैं ये कहीं ना कहीं करेंसी के साथ लिंक्ड होती हैं जो कि फंजिबल हों, पर यहाँ तो NFT नॉन फंजिबल है, तो इस वजह से स्टेटमेंट थ्री हमारी हो जाती है गलत। आंसर क्या बना मेरा, आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। ने एवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करी थी, बार्टर सिस्टम, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, गोल्ड, मतलब गोल्ड तो चलो कमोडिटी मनी ही आ गया, साथ ही साथ थोड़ा क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी डिटेल में। जो पेपर मनी हो गया, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये सारी चीज़ें आप आज के टाइम पे डेफिनेटली यूज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को साथ ना ये सारी चीज़ें बैंकिंग के साथ रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इनके रिगार्डिंग आज जानने का स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखो मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग के बारे में, तो आप लोग भी आई एम वेरी श्योर कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ करते ही हो, ठीक है ना। अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप हर चीज़ आप फिजिकली जाके बैंक की ब्रांचेस में जाते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चीज़ों को एक्सेस कर लेते हो, डिफरेंट डिफरेंट जो भी बैंकिंग सर्विसेज है। देखो ई बैंकिंग को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारे ई बैंकिंग के ही नाम है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख चुके हो कि किस तरह आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू हो गया या किसी भी तरह से इंटरनेट को यूज़ करके आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या डिफरेंट जो सर्विसेज ऑफर करी जा रही हैं उनको यूज़ कर सकते हो। इंडिया में देखो जैसे ICICI बैंक ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक रहा है इन टर्म्स ऑफ ई बैंकिंग, क्योंकि काफ़ी सारी इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज इनके द्वारा शुरू करी गई थी, ATMs को भी काफ़ी ज़्यादा ना एक जो आप कह रहे हो कि ज़्यादा जो बूस्ट मिला उसके पीछे ICICI बैंक का काफ़ी रोल है। साथ ही साथ फ्रॉड्स कम होते हैं इंटरनेट बैंकिंग में। देखो कुछ आप बोल सकते हो कि फ्रॉड ज़्यादा भी होते हैं, आपका ये भी एक परसेप्शन हो सकता है कि अच्छा ऑनलाइन ना जैसे कार्ड वगैरह के जो फ्रॉड्स होते हैं आपने देखा होगा कहीं ना कहीं OTP आपसे कोई मांगता है फ़ोन करके कि अच्छा आप OTP दे दीजिए, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ों में फंस जाते हैं। बट कहीं ना फ्रॉड्स कम इस वजह से होते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ जाती हैं ना तो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग,
क्योंकि अब डेटा अवेलेबल है हर जगह कि अच्छा किसने किसको पैसा दिया, उसका डेटाबेस एक जगह पर मेंटेन हो रहा है प्रॉपर, तो इस वजह से फ्रॉड्स थोड़े कम भी हुए हैं। ठीक है, दोनों एस्पेक्ट है, बट अगर हम ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखें तो हाँ फ्रॉड्स डेफिनेटली कम हुए हैं। साथ ही साथ कोई ज्योग्राफिकल बैरियर्स नहीं है, ठीक है, कहीं से भी बैठे बैठे आप यूज़ कर सकते हो, कन्वीनियंस है आपको, जो बैंक्स हैं उनको भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लग रही है कि अगर आपको मान लो ना कि अगर आप किसी मान लो बैंक में जाके पहले आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आप वहाँ पे जा रहे हो बैंक के अंदर, वहाँ पर उनको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ रहा है, वहाँ की बैंक की खुद की कुछ ब्रांच की कॉस्ट होगी, बट अगर ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की तरफ हम मूव करते हैं तो बैंकिंग को भी एक तरह से लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी ई बैंकिंग के बारे में, आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें ये डेफिनेटली पता ही होंगी। थोड़ा मैं डिस्कस करूँ अगर CBS के बारे में, CBS का मतलब है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। यहाँ समझने की कोशिश करो CBS का मतलब क्या है। जैसे आपने देखा कि आपकी मान लो ना ICICI बैंक के अंदर ब्रांच है, ठीक है ना, ICICI ब्रांच के अंदर बेसिकली आपका अकाउंट है, तो मान लो ये कोई XYZ ब्रांच है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भवानीपुर है, मान लो आपकी मुंबई में ब्रांच है, ICICI मुंबई के अंदर आपका ICICI बैंक के अंदर अकाउंट है, तो आप इस बैंक के अंदर तो जा ही सकते हो, पर मान लो आप कहीं गए अहमदाबाद मान लो, तो अहमदाबाद वाली जो ब्रांच है क्या उसके अंदर जाके आप ICICI बैंक की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो? आंसर है हाँ, ठीक है ना। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कोर बैंकिंग सोल्यूशन या CBS। देखो होता क्या है, जैसे आपके मान लो ना ब्रांच ये है आपकी जो पर्टिकुलर बैंक जहाँ पे आपका अकाउंट है, ये सिटी ए के अंदर है, ये कनेक्टेड है एक सेंट्रलाइज सर्विस सर्वर के द्वारा, ये सर्वर बाकी सारी जो ब्रांचेज हैं उनको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है कि अच्छा ये XYZ पर्सन का अकाउंट है, यहाँ पे इसके पास इतना XYZ पैसा है, ये सारे बाकी ब्रांचेस के पास भी आपका डेटाबेस आपका प्रोवाइड कर दिया जाएगा थ्रू द सेंट्रल सर्वर। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन, यानी कि एक तरह का बैकएंड सिस्टम जो क्या करता है, जो सेम बैंक की मल्टीपल ब्रांचेस को कनेक्ट करता है। तो ICICI बैंक ही ICICI से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि अच्छा ICICI बैंक में आपका अकाउंट है तो आप अहमदाबाद के SBI बैंक में जाके बोलो कि मुझे ये पर्टिकुलर अपने अकाउंट में चेंजेस करवाने हैं, तो वो नहीं कर सकते आप। पर ICICI बैंक थ्रू आउट इंडिया कहीं भी आप जाओ तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि CBS के अंदर सेम बैंक की ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, और उसी तरह से आप रियल टाइम के अंदर और ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। रियल टाइम का मतलब कि उसी वक्त अगर आपने मान लो ना कुछ चेंजेस कराने हो तो उसी टाइम अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं रियल टाइम। और कोर की ना फुल फॉर्म है, ठीक है ना, मैंने बोला ना CORE, तो कोर की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट। आई रिपीट, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट इसको बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि जैसे पंजाब नेशनल बैंक है ना, इनके कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का नाम क्या है? फिनेकल। उसी तरह से एक RBI का भी खुद का एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, उसका क्या नाम है? ईकुबेर। देखो जब मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको पढ़ाऊंगा ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर इवन ना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के रिगार्डिंग कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें ई कुबेर पे होती हैं। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा, बस अभी जस्ट ना जिक्र कर रहा हूँ कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो ई कुबेर, जो कि एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन है RBI का, वहाँ पे अकॉर्डिंगली ये अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो फिनेकल को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब नेशनल बैंक के अलावा भी और डिफरेंट बैंक्स इसको यूज़ करते हैं, इस कोर बैंकिंग सोल्यूशन को। आई थिंक विप्रो का है जहाँ तक मेरा आइडिया है, फिनेकल माइट बी रॉन्ग एज वेल, मतलब किसी IT कंपनी ने ही इस पर्टिकुलर IT सोल्यूशन को बनाया है ताकि वहाँ पे डिफरेंट बैंकिंग जो ब्रांच है वो आपस में कनेक्ट हो पाए थ्रू अ सेंट्रल सर्वर। उसी तरह से RBI का हो गया ईकुबेर। ठीक है जी, अब जरा चलते हैं ट्रांजेक्शन्स की तरफ। ठीक है, ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स में ना आपने नेफ्ट का नाम सुना होगा, RTGS का नाम सुना होगा, IMPS का नाम सुना होगा, तो ज़रा देखते हैं कि इन सभी के अंदर फ़र्क क्या है। ठीक है ना, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, यहाँ स्पेलिंग देखते हैं इन तीनों के बीच में फ़र्क। देखो सबसे पहले अगर मैं नेफ्ट की बात करूँ, नेफ्ट क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को ही नेफ्ट बोलते हैं। देखो ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है ना, ये RBI के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और पूरे नेशन में है तो नेशन वाइड हो गया, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। ठीक है ना, सेंट्रल वे में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये बैचेस में ऑपरेट होता है। समझाता हूँ कैसे। मान लो आपका ना यहाँ पे बैंक है, आपने कुछ पैसे भेजने हैं कहीं दूसरे बैंक अकाउंट में। ठीक है, मान लो आप 9:15 या मान लो 9:45 AM पे
आपने इस बैंक को पैसे दिए और बोला कि भैया इस बैंक अकाउंट में आप पैसे भेज दो, ठीक है, मान लो आपने बोला कि 2 लाख रुपए यहाँ से भेजने हैं, तो क्या 945 पे जब आपने भेजा, क्या 945 पे इधर आपको दिख जाएंगे? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये नेफ्ट है। नेफ्ट के अंदर क्या होता है, नेफ्ट के अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है वो बैचेस में होता है, जनरली 30 मिनट्स के बैचेस बनाए जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे मान लो पहले उन्होंने बोला कि सुबह ना 9 बजे जितने भी ट्रांजेक्शन आ रखी हैं उनको किया जाएगा, फिर 9:30 बजे किया जाएगा, फिर 10 बजे। तो आपने ना जो ट्रांजेक्शन 9:45 पे करी थी वो 9:45 पे इस साइड रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो कब रिफ्लेक्ट होगी? जब अगला बैच आएगा। अगला बैच कब रिलीज होगा? 10 बजे। तो अगर आपने 9:45 पे कोई चीज़ करी ना, वो इस बैंक के पास कब शो होगा? 10 बजे। उसी तरह से मान लो आप 10:05 पे कर रहे हो कोई ट्रांजेक्शन, तो 10:05 पे उधर शो नहीं होगा, वो होगा 10:30 बजे, क्योंकि आधे आधे घंटे के गैप के बाद चीज़ें बैचेस की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही हैं। समझ आया बैच का मतलब? कि रियल टाइम में नहीं हो रही, थोड़ा 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 सा डिले हो रहा है, ठीक है ना, आधे आधे घंटे का बैच बना रहे हैं। फिर जितना आधे घंटे के अंदर, जैसे इसमें समझो 9:30 से 10 के बीच में ना जितनी ट्रांजेक्शन हुई, वो फिर 10 बजे सामने वाले बैंक के पास अकॉर्डिंगली पहुंच जाएंगी नेट करके, क्योंकि इस बैंक ने भी कुछ इसको देना होगा, इस बैंक ने भी इसको कुछ देना होगा। तो 9:30 से 10 के बीच में जितनी ट्रांजेक्शन होंगी उसका नेट करके एक दूसरे को ट्रांसफर वो कर देंगे। तो इसको बोलते हैं बैचेस की फॉर्म में, आरबीआई का थ्रू किया जाता है, और आप इसका फुल फॉर्म भी समझ गए। देखो आरबीआई की अगर ना आप वेबसाइट पे जाओगे, तो आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर ना एक ये फ्रीक्वेंटली आस्क सेक्शन क्वेश्चंस करके एक सेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। उसके अंदर देखो नेफ्ट के बारे में, आरटीजीएस के बारे में, आईएमपीएस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो मैंने भी कुछ इन्फॉर्मेशन वहीं से ली है कि नेफ्ट होता क्या है, वो हमने डिस्कस कर दिया, नेफ्ट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से नेफ्ट को आप राउंड द क्लॉक यूज़ कर सकते हो, कि आप हर दिन यूज़ कर सकते हो। पहले एक्चुअल में क्या होता था, आप हर दिन नेफ्ट को यूज़ नहीं कर सकते थे, पर अब ऐसा है कि आप अच्छा सैटरडे को भी कर सकते हो, संडे को भी। संडे रात को आपको 11 बजे मान लो आपका मन किया किसी को पैसा ट्रांसफर करने का, तो आप नेफ्ट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और ये नियर रियल टाइम है, एग्जैक्टली रियल टाइम नहीं है, नियर रियल टाइम है, क्योंकि आधे आधे घंटे के बैचेस में ये ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये कुछ और भी देखो क्वेश्चन है, यहाँ से ना पॉसिबिलिटी बन जाती है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि क्या कोई लिमिट है कि आप कितना पैसा नेफ्ट के थ्रू भेज सकते हो? तो आरबीआई के हिसाब से कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो 100 करोड़ किसी को भेज दो नेफ्ट के थ्रू, या 50,000 रुपये भेज दो किसी को नेफ्ट के थ्रू, तो ये पॉसिबल है। पर कंडीशन क्या है, आपका बैंक कुछ लिमिट लगा सकता है। मान लो एसबीआई ने बोला कि नहीं भैया, सिर्फ आप नेफ्ट से मान लो बस 50 लाख ही भेज सकते हो, तो आप उससे ऊपर नहीं भेज सकते। मतलब आरबीआई ने कोई लिमिट नहीं दे रखी बैंक को, बैंकों की मर्जी है। आईसीआईसीआई वाले बोलेंगे कि अच्छा इतना भेज सकते हो तो इतना लिमिट लग जाएगी, एसबीआई की अपनी लिमिट हो सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हालांकि अगर आरबीआई के द्वारा कोई लिमिट नहीं दे रखी, उसी तरह से क्या जरूरी है कि बंदे के पास बैंक अकाउंट होना ही चाहिए तभी वो नेफ्ट सिस्टम को यूज कर सकता है? इसका आंसर है नहीं। मतलब बेसिकली बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपली अपने किसी भी जो आसपास की बैंक ब्रांच है ना उसके पास जाओ, उसको 10,000 रुपये मान लो आपने दे दिए कैश की फॉर्म में, तो आप कैश की फॉर्म में दे दो, वो सामने वाली जो बैंक आपका बैंक ब्रांच है वो जिसको भी भेजने होंगे वो पैसे अकॉर्डिंगली दे देगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, पर इसकी कुछ लिमिट है कि आप 50,000 से ज्यादा नहीं दे सकते अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो बिना बैंक अकाउंट के भी नेफ्ट सिस्टम वर्क करता है। उसके अलावा आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव है जो बाहर है, दूसरी कंट्री में है, क्या उसको भी भेजे जा सकते हैं? देखो यहाँ पे है कि वो नेपाल के जैसे इंडो नेपाल रेमिटेंस सिस्टम के थ्रू भेजे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली और जगह पे भी आप अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती है, उस हिसाब से आप इनको भेज सकते हो। और ऑपरेटिंग आवर्स मैंने आपको बता दिया, ये 24/7 ये सर्विस एप्लीकेबल है, किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी टाइम पे कर सकते हो। ये चीज़ पहले नहीं होती थी, अब ये चीज़ करी गई है, और ये हाफ आवरली इंटरवल के बैचेज में जाती है। तो सारी चीज़ें हम इसमें अच्छे से समझ गए। एक और देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि सर जैसे मान लो आप यहाँ पर हो, ठीक है ना, आपने अपने फ्रेंड को नेफ्ट के थ्रू पैसे भेजने हैं, तो क्या कुछ पैसे लगेंगे? कि मान लो आपने 50,000 रुपया भेजना हो तो क्या बीच में बैंक को कोई फीस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या बिल्कुल फ्री फॉर्म में मैं 50,000 रुपया भेज दूँ और कुछ मेरा कटे ही ना? तो देखो जो आरबीआई के द्वारा बोला गया है ना, आरबीआई ने बोला है कि अब से कोई भी चार्ज नेफ्ट के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आरबीआई ने ये चीज़ बोली हुई है कि नेफ्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट, वो 2020 के आसपास की डेट है, हमें डेट याद रखने की जरूरत नहीं है।
पर नेफ्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता। पर क्या होता है ना कि अगर मान लो जैसे आप बैंक अकाउंट में बेसिकली आप बैंक ब्रांच में जाके ये चीज़ आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे जो बैंक है आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगा सकता है। समझ आया? अगर सिंपली देखो पूछा जाए यूपीएससी कि आरबीआई के हिसाब से क्या है, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। पर कुछ केसेस में जैसे मान लो कि आप ब्रांच में जाके नेफ्ट को यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ बेसिकली एक मिनिमम फीस, छोटी सी फीस वो लग सकती है। ठीक है, ये 16 दिसंबर आई थिंक 2020 से ये चीज़ एप्लीकेबल हो चुकी है कि आप नेफ्ट को 24/7 भी यूज़ करो और फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये आपके पास है, गिवन द फैक्ट कि आप ई बैंकिंग के थ्रू अगर कर रहे हो, ब्रांचेस से जाके करोगे तो थोड़ी सी फीस लगेगी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली हमने नेफ्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। उसी तरह से आ जाता है क्या आरटीजीएस। आरटीजीएस का देखो फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो पहली बात तो यहीं पे आप समझ गए, रियल टाइम मतलब आपने पैसा इधर से भेजा तो एट द सेम टाइम उसी टाइम पे सामने वाले बंदे के पास वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो 9:45 पे आपने यहां से ट्रांजेक्शन करी, तो सामने वाले बंदे को 9:45 पे ही वो चीज मिल जाएगी। ये होता है आरटीजीएस के अंदर। पर नेफ्ट के अंदर क्या था, ये पैसा कब मिलेगा उसको, 10 बजे, क्योंकि आधे आधे घंटे के बैचेस में ट्रांसफर हो रहा था। तो ये चीज़ तो होगी रियल टाइम। उसी तरह से ग्रॉस सेटलमेंट, ये जनरली ना ग्रॉस सेटलमेंट मतलब उसी टाइम हो जाता है, बट साथ ही साथ ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करो कि ये जनरली बिग ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है, कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा ट्रांसफर करना हो। जैसे मान लो, जैसे मैंने आपको मान लो ट्रांसफर करना हो, तो हो सकता है मैं तो 50,000 रुपये ही आपको ट्रांसफर करूँ या 10,000 करूँ, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड सोचो कि जैसे मान लो कि ना मुकेश अंबानी जी हैं, ठीक है, तो उनको तो हो सकता है किसी बंदे को जैसे 500 करोड़ रुपया ट्रांसफर करना हो, है ना। वहाँ तो इतना बड़ा अमाउंट उनको ट्रांसफर डेफिनेटली करने की ज़रूरत पड़ती होगी कभी ना कभी, या जो भी उनकी टीम है वो ऐसे 100 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ ट्रांसफर करते होंगे। तो क्या वो भी सर नेफ्ट से करेंगे? देखो नहीं, नेफ्ट में ना जनरली लिमिट होती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ करी जाती हैं, जनरली आरटीजीएस के माध्यम से, क्योंकि आरटीजीएस दरअसल में बना ही इस चीज़ के लिए कि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन इस पर होते रहें। और ये पर्टिकुलर आरटीजीएस बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही वर्क करता है, ठीक है ना, मतलब उसी के अकॉर्डिंग ही है। साथ ही साथ ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन भी समझ गए कि एक एक ट्रांजेक्शन आती जाएगी, वो साथ साथ प्रोसेस होती जाएगी। यहाँ बैच वाला सिस्टम नहीं होता, कंटिन्यूस होता है, रियल टाइम सेटलमेंट होता है, राइट। तो ये हो गया आरटीजीएस मैकेनिज्म। उसी तरह से देखो तीसरी चीज़ क्या है, आईएमपीएस। आईएमपीएस क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है ना। आईएमपीएस इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यहाँ पर भी चीज़ें इमीडिएटली हो रही हैं कि आपने जिस टाइम पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश करी वो साथ ही साथ उसी टाइम ही ट्रांसफर हो गया। जैसे वही चीज़ 9:45 पे पैसे भेजे तो सामने वाले के पास 9:45 पे पैसे मिल भी गए। तो ये पर्टिकुलर सर्विस ऑफर करी जाती है NPCI के द्वारा। देखो पहले क्या पढ़ा हमने, नेफ्ट एंड आरटीजीएस, ये दोनों किसके द्वारा थे, ये दोनों थे आरबीआई के द्वारा। पर जब मैं बात करता हूँ आईएमपीएस की, ये आ जाता है किसके द्वारा, NPCI के द्वारा। NPCI क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, बट अभी इतना समझ गए कि अच्छा IMPS है NPCI के द्वारा और नेफ्ट एंड RTGS है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और देखो पिछले में जब नेफ्ट और RTGS हम पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर बैंक बीच में इन्वॉल्व होते ही होते हैं, ठीक है ना, बैंक तो डेफिनेटली आएगा बीच में। पर जब मैं IMPS की बात करता हूँ ना, तो या तो यहाँ पे बैंक हो सकते हैं या PPIs। PPI क्या होते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स। अब ये क्या होते हैं, देखो ये जो हम ना मोबाइल वॉलेट नहीं एक तरह से यूज़ करते, ठीक है ना, जैसे आपने फ़ोन पे सुना होगा, पक्की बात है आपने कभी फ़ोन पे से किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे, मोबीक्विक सुना होगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप की चीज़ें जो बेसिकली बैंक तो नहीं है ये, पर ये PPIs बोलते हैं इनको, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ये PPIs के अंडर आ जाती हैं। तो जो IMPS फैसिलिटी है ना वो PPIs भी दे सकते हैं, या तो बैंक्स देंगे जैसे अपना ना जैसे ICICI बैंक के थ्रू आप उनकी जो ऐप होती है उससे आप सामने वाले बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर दो, या मोबीक्विक या फ़ोनपे इनसे थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जब इनके थ्रू करोगे ना तो दैट इज़ थ्रू IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। समझ आ गया तीनों के बीच में कि नेफ्ट क्या था, RTGS क्या था और IMPS क्या था। अब आपकी ना सहूलियत के लिए, ताकि आप जल्दी से क्विकली जब आप रिवाइज करोगे तो आपको क्विकली डिफरेंस समझ आ जाए, तो मैंने एक टेबल बना दिया है, एक बार क्विकली देख लेते हैं। नेफ्ट के अंदर क्या देखा, सेटलमेंट होती है बैचेस की फॉर्म में, यानी कि हाफ आवरली बेसिस। आरटीजीएस के अंदर रियल टाइम, IMPS के अंदर भी उसी टाइम हो जाता है, तो ये भी रियल टाइम। अवेलेबिलिटी देखो अब तीनों की 24/7 है, किसी भी टाइम रात को, दिन में, संडे मंडे, जो मर्जी डे हो
तब भी यूज़ कर सकते हो। पहली ऐसी कंडीशंस नहीं होती थी, पर अब ये कंडीशंस आ चुकी हैं। पहले नेफ्ट और आरटीजीएस ना हमेशा नहीं होता था, कुछ लिमिट्स होती थी, पर अब ये फुल टाइम अवेलेबल है, तो हमें अभी का ही याद रखना है कि अब क्या है। उसके अलावा मिनिमम अमाउंट कि कम से कम कितना पैसा ट्रांसफ़र करोगे, नेफ्ट के अंदर भी 1 रुपया, IMPS के अंदर भी 1 रुपया, आप 1 रुपया भी भेज सकते हो, पर RTGS ना जनरली बिग ट्रांजैक्शन के लिए होता है, तो इस वजह से RTGS के अंदर मिनिमम आपको 2 लाख रुपए तो ट्रांसफ़र करने ही पड़ेंगे। उसी के साथ मैक्सिमम अमाउंट कितना ट्रांसफ़र कर सकते हो, देखो RBI ने बोला है यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, पर बैंक्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आई थिंक ना SBI ने बोल रखा है शायद 10 लाख की लिमिट दे रखी है कि 10 लाख से ज़्यादा पैसा आप नेफ्ट के थ्रू नहीं भेज सकते, तो हर किसी बैंक का है, हमें ऐसे याद नहीं करना ICICI का अलग है, HDFC का अलग है, तो इस तरह से हर किसी बैंक ने अपनी अपनी लिमिट डिसाइड कर रखी है, बट एज पर RBI दे हैव प्रिस्क्राइब्ड नो लिमिट। उसी तरह से RTGS की भी कोई लिमिट नहीं है, बट यहाँ पर भी ना फिर से किसी का होता है कि 1000 करोड़ बोल दिया, या ऐसे कुछ बैंक की स्पेसिफिक लिमिट्स हो सकती हैं, बट जनरली RBI का जो नोटिफिकेशन है दैट इज़ कि RTGS के अंदर कोई लिमिट नहीं है। IMPS की देखो लिमिट है 5 लाख, अगर आपने कहीं और से पढ़ा होगा ना तो आपने इसको 2 लाख पढ़ा होगा और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे गड़बड़ लिख दी, बट ये रिसेंटली अपडेट हुआ है, ठीक है ना, पहले ये 2 लाख हुआ करता था, अब ये लिमिट 5 लाख कर दी गई है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि IMPS की करंट लिमिट कितनी है, तो आप बोलोगे कि करंट लिमिट है 5 लाख, आप मैक्सिमम ट्रांसफ़र IMPS के माध्यम से कर सकते हो। कौन प्रोवाइड कर सकता है, यहाँ था बैंक्स नेफ्ट के अंदर, RTGS के अंदर भी सिर्फ बैंक्स, पर IMPS के अंदर बैंक्स के अलावा PPI भी, जो कि MobiQuick एंड जो हमने और देखे थे फोन पे वगैरह देखे थे, ठीक है। फीस, ठीक है ना, ये भी कुछ कंडीशंस के ऊपर होती हैं। RBI का नोटिफिकेशन कहता है कि नेफ्ट और RTGS के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, पर यहाँ पे कुछ कंडीशंस के अंदर चार्जेस लग भी सकते हैं। पर अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे ना कि नेफ्ट और RTGS के ऊपर चार्जेस नहीं लगते, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर जैसे मान लो, तो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ एक जैसे कंडीशन है कि अगर आप ऑनलाइन माध्यम से नेफ्ट और RTGS का यूज़ कर रहे हो तब आपके ऊपर ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती, पर अगर आप पेपर फिलिंग जो होता है ना बैंक के अंदर जाके, अगर हम पेपर फिल फॉर्म यूज़ करेंगे ब्रांच के अंदर, तो वहाँ पे बैंक जो हैं वो अपनी फीस कुछ ना कुछ ले सकते हैं। उसकी भी देखो RBI ने लिमिट बता रखी है कि मैक्सिमम आप कितनी ले सकते हो, हमें नहीं जाना कितनी है, 20 रुपये है, 25 रुपये है, हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली बस इतना देखो कि नेफ्ट और RTGS के ऊपर चार्जेस अब नहीं लगते इन जनरल इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। उसी तरह से IMPS के ऊपर छोटे से चार्जेस लगते हैं कि कुछ हो गया 15 रुपये 20 रुपये, हर किसी बैंक का अपना अपना होता है, या हर किसी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का जो होता है ना, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, उसका भी अलग अलग होता है, तो ये भी हमें याद नहीं रखना, बस इतना पता होना चाहिए कि अच्छा कुछ चार्जेस यहाँ पे लगते हैं इन इमीडिएट पेमेंट सर्विस। उस तरह से टारगेट कस्टमर कौन है, देखो यहाँ पे इसके कस्टमर तो रिटेल कस्टमर्स हैं, जैसे मेरे और आपके जैसे लोग। जब RTGS की बात करेंगे तो वहाँ आएंगे बिजनेसमैन, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है 2 लाख से लेके 1000 करोड़ में जाके पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ये लोग तो बिजनेसमैन ही हैं। जैसे मैंने आपको मुकेश अंबानी जी का एग्जांपल दिया था, राइट। जो IMPS है वहाँ पर भी हम जैसे लोग ही रिटेल कस्टमर्स ही हैं जो इनके टारगेट कस्टमर होते हैं। और ये जो किसके द्वारा, आई थिंक इंस्ट्रूमेंट ना हो गया, ये बेसिकली किस पर्टिकुलर मतलब ये इंस्ट्रूमेंट किसके द्वारा एक तरह से रेगुलेट किया जाता है या किसके द्वारा है, तो नेफ्ट और RTGS जो है वो RBI के अंडर आते हैं, और IMPS जो इंस्ट्रूमेंट है वो आता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। आई होप इस टेबल के थ्रू ना आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टोटल कितने क्या क्या डिफरेंसेज हैं, वो सारे एक बार क्विकली आप रिवाइज इस टेबल से कर सकते हो। चलते हैं, देखो NPCI की अगर इतना जिक्र कर ही रहे हैं तो एक बार समझ लेते हैं कि NPCI आखिर है क्या। NPCI की फुल फॉर्म तो हम समझ गए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे ना दो बॉडीज हैं, एक तो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है इंडियन बैंक एसोसिएशन। इन दोनों ने मिलके क्या किया, इन दोनों के एक तरह से ना मिलके इनका इनिशिएटिव है, और इन दोनों के मिलने से वजह से बना क्या, NPCI। तो आपसे यहाँ पे ना गड़बड़ करवाई जा सकती है कि किसका इनिशिएटिव है, वो IBA की जगह कोई और नाम दे देगा, पर आपको याद रखना ये है RBI प्लस IBA, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन का ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है। उसके साथ ही साथ जो एक्ट के थ्रू जिसके अंदर फॉर्म हुआ है, ये है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है ना। इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट्स होती हैं वो इसी एक्ट के अंदर रेगुलेट करी जाती हैं, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर NPCI जो बॉडी है उसको अकॉर्डिंगली फाउंड किया गया, और ये फाउंड कब हुई थी, 2008 के अंदर।
ठीक है। साथ ही साथ ये कंपनीज एक्ट जो होता है ना उसके सेक्शन 8 में आती है। सेक्शन 8 में आने का मतलब एक तरह से आप मान सकते हो कि नॉट फॉर प्रॉफिट। एग्जांपल से समझाता हूं कि थोड़ा ना नॉट फॉर प्रॉफिट आप समझ जाओगे एक बार। देखो मान लो कि ये बेसिकली है, तो देखो क्या ये तो एक कंपनी है ना, जैसे कोई भी कंपनी होती है उसी तरह से ये भी एक कंपनी है। अब कंपनी मान लो ₹1,000 खर्च करती है, एग्जाम्पल समझ रहे हैं बस, और मान लो ₹1,500 इसने इसने ₹1,000 का खर्चा किया, ₹1,500 कमा लिए, तो ₹500 का इसका प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है ना। ₹1,000 का खर्चा था और ₹1,500 का इसका रेवेन्यू था, तो ₹500 का इसके पास प्रॉफिट हो गया एक तरह से। अब इस ₹500 का क्या करेगा ये? हो सकता है कि जो इसका ओनर हो वो अपनी जेब में रख ले इस ₹500 का, पॉसिबिलिटी है। पर जब मैं बात करूंगा ना नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की, इसका मतलब पता क्या होगा, ये ₹500 वापस से इस कंपनी के अंदर डाल दिया जाएगा ताकि ये कंपनी और नई नई चीजें कर पाए, और नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए, कुछ और नई जगह एक्सपेंड करे। इसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट हुआ ना उस प्रॉफिट को ऐसा नहीं है कि जो ओनर्स हैं इसके वो ओनर्स अपनी जेब में रख लेंगे, नहीं, वो कंपनी को विस्तार करने में, कंपनी को और बड़ा करने में, कंपनी में नई नई इनोवेशन लाने के लिए यूज किया जाएगा। दैट इज नोन एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, और ये पर्टिकुलर कंपनी आती है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो समझ आ गया किसका इनिशिएटिव था, आरबीआई एंड आईबीए का एक्ट समझ लिया, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, और किसके नॉट फॉर प्रॉफिट किस तरह से ये एज अ कंपनी ये एक्ट करती है। उसी के साथ में देखो ये एक तरह की ना अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रिटेल पेमेंट्स। तो जितनी भी तरह की आप डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट्स करते हो ना, आईएमपीएस हो गया, या और भी मैं आपको ना डिफरेंट डिफरेंट इसकी सर्विसेज बताऊंगा, तो आप रियलाइज करोगे कि सर इसकी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तरह से ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वो है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। हेडक्वार्टर्स आ गया इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और टोटल ये ना 10 मेजर प्रमोटर बैंक के द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है, जैसे कि इसके अंदर SBI भी है, ठीक है ना, PNB है, ICICI है, इस तरह के अलग अलग बैंक्स ने इसको बेसिकली प्रमोट करने में इसके मतलब इसके प्रमोटर्स हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि NPCI क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता है, तो देखो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप ना एटलीस्ट इनके नाम डेफिनेटली ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है कि कोई भी मान लो पूछ लिया कि NFS है, तो NFS किसके द्वारा किया जाता है, तो NFS NPCI का प्रोडक्ट है। तो एक बार ना प्रोडक्ट के अगर लिस्ट पे नाम पे जाएं, तो देखो एक तो आपने UPI एम वेरी श्योर सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो UPI किसका है, वो NPCI का है। उसके साथ ही रुपे कार्ड आपने सुना होगा, फिर भीम सुना होगा, भीम ऐप है ना, फिर नाच एक सिस्टम होता है, IMPS होता है, NETC होता है, ठीक है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच होता है NFS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, फिर ₹E एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ है, मतलब पिछले आई थिंक 2021 की बात है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, भीम आधार हो गया, ये सारी की सारी, UPI 123 पे हो गया, भारत बिल पे हो गया, ये सारी की सारी सर्विसेज NPCI की ही हैं। एक बार ना आप एक बार जब लेक्चर खत्म होगा तो एक बार इन नामों को दोबारा से ध्यान दे देना, हम थोड़ा डिटेल में भी इन सभी सर्विसेज को पढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है ना, तो आई एम श्योर कि अगर आपने एक बार इनको खुद अपने एंड पे गो थ्रू किया होगा ना, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। देखो एक दो इंपॉर्टेंट आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सर्विसेज अकॉर्डिंगली ना, मैं जैसे UPI हो गया, रुपए हो गया, इनको प्रॉपरली कार्ड्स की फॉर्म में हम डिस्कस आने वाले लेक्चर में करेंगे भी। बात अगर करें देखो NFS की, NFS पढ़ा था ना अभी पीछे, ये देखो ये NFS क्या होता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। इसको समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल समझो, मान लो आपके पास ना ये HDFC बैंक का ATM कार्ड है, ठीक है ना, डेबिट कार्ड है मान लो HDFC का। अब ये आपको मान लो ना HDFC का ATM नहीं मिल रहा कहीं पे आसपास, आप क्या करते हो, आप PNB के ATM में चले जाते हो, तो क्या PNB के ATM के अंदर आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो कि इससे पैसा निकल जाएगा? द आंसर इज येस, ठीक है ना, आपने आई एम वेरी श्योर काफ़ी बार ऐसे नहीं होता कि ऑब्वियसली HDFC का ATM मिल जाए, तो आपके पास जो भी आसपास आपको ATM दिखता है आप उस ATM से पैसे निकाल सकते हो। तो आपने कभी ये सोचा है कि सर ये HDFC बैंक का ATM कार्ड ये PNB के ATM के अंदर कैसे चल गया? इसके पीछे रोल है किसका, NFS का, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच का। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये सारे के सारे ATMs को ना एक तरह से बेसिकली कनेक्ट कर देती है, ठीक है ना, इंटरकनेक्टिविटी आ जाती है, और ये काम NPCI का ये जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है ना इसके थ्रू किया जाता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी ATMs है उनका एक तरह से नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है, एक लार्जेस्ट नेटवर्क है इन शेयर्ड ATMs का, ताकि जो सिटीजन्स हैं वो इस चीज़ को फ़ायदा उठा पाएँ कि अच्छा ये आपस में बैंक्स कनेक्टेड हैं, उसका बेनिफिट इन सभी लोगों को मिल पाए, और ये जहाँ पर भी जो ATM हो आसपास में उसको एक्सेस करके उसके बेसिस पे अपने ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करा पाए।
तो ये याद रखना है कि जो ATM वाली चीज है वो किसके थ्रू अंडर होती है, वो होती है NFS यानी कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच के अंदर, जो कि किसके द्वारा रन किया जाता है, NPCI के द्वारा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो कुछ ना टाइप्स ऑफ ATM हमें डिस्कस कर लेने चाहिए कि किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ATM होते हैं। एक दो प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्हाइट लेबल ATM बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसके साथ ही ब्राउन लेबल ATM। तो ये दो टाइप्स थोड़े हैं ना ATMs, ये थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी जो चार ATMs हैं जैसे कि ऑरेंज लेबल हो गया, येलो लेबल, ग्रीन लेबल, पिंक लेबल, इनकी सिर्फ एक एक लाइन पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बट जस्ट कि आपको ना कभी खराब किस्मत होती है कि UPSC बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन पूछ ले, तो तब हमें एक एक लाइन पता होनी चाहिए। बट जो इंपॉर्टेंट है वो पहले दो ही हैं, दैट इज व्हाइट लेबल ATM एंड ब्राउन लेबल ATM। तो चलते हैं व्हाइट लेबल ATM की तरफ। देखो व्हाइट लेबल ATM, कभी आप इस तरह के ATM देखे हैं, जैसे ये टाटा का एक तरह का ATM है इंडिकैश, हिताची का जैसे ATM है, या फिर आपने कभी ना मुथूट फाइनेंस का ATM देखा होगा, ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन का देखा होगा, या प्रिज्म भी आता है एक, ठीक है ना। तो सर ये तो देखो ना, ये बैंक तो है नहीं ना, मुथूट फाइनेंस बैंक है ना, ये सारे बैंक है ना, ये बैंक है, तो ये ATM है किस तरह से? मतलब ये बेसिकली अगर बैंक ही नहीं है तो जैसे ICICI का आपने ATM देखा होगा तो वो तो बैंक है, तो इसलिए ATM वो रन कर पा रहा है, या HDFC का है, SBI का है, PNB का है, पर ये सारी चीज़ तो ATM बेसिकली बैंक नहीं है। तो अगर कोई ऐसी एंटिटी हो जो बैंक ना हो पर तब भी वो ATM को रन करे, उसको बोलते हैं क्या, वाइट लेबल ATM। समझ गए? इस एग्जाम्पल को ना अपने दिमाग में रखना, ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, टाटा का, हिताची का, जो और बाकी, तो ये जब इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं जो कि खुद आपस में अपने आप में बैंक नहीं है, वो जब ATM को ओन करे और उसको ऑपरेट करे, उनको क्या बोलते हैं, वाइट लेबल ATM। ठीक है, तो ATM जो कि ओन एंड ऑपरेट किए जाते हैं किसके द्वारा, नॉन बैंकिंग एंटिटी के द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे देखो क्या होता है, इसका रीजन पता क्या है कि जैसे बैंक है, मान लो ICICI का बैंक है, अब ICICI वालों के पास ना हो सकता है कि इतने मतलब रिसोर्सेज ना बोल के, मतलब मान लो कि जैसे ना हिमाचल का कोई टाउन है, ठीक है ना, हिमाचल का कोई बहुत ही जैसे माउंटेन एरिया के अंदर बहुत ही एक ना एक ऐसा विलेज है जहां पर इतनी कनेक्टिविटी नहीं है, तो शायद ICICI को वहां तक पहुंचने में, अपना ATM वहां लगाने में काफी दिक्कत आएगी, पर हो सकता है कि टाटा वालों की रीच वहां तक हो, तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में एक तरह से ना डील कर लेंगे कि भैया तुम जाओ, तुम वहां पे जाके, ये टाटा वाला जो बंदा है, टाटा वाला जो कंपनी है, ये वहां पे जाके अपना ATM सेटअप कर लेगी, और साथ में एक बन जाएगा इसका स्पॉन्सर बैंक, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली यहाँ पे इस स्पॉन्सर बैंक का काम क्या होगा, जैसे कि कैश मैनेजमेंट, कि वहां पे अकॉर्डिंगली पैसे को भेजना, या किस तरह से हमें वहां पे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स करने हैं कैश के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक के थ्रू की जा सकती हैं। बाकी की चीजें, किस ATM को मेंटेन करना, ठीक है ना, इस ATM के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सर्विसिंग करना, ये सारी की सारी चीजें कौन करेगा, ये सारी की सारी चीजें करेगा ये नॉन बैंकिंग एंटिटी यानी कि टाटा वाले। ठीक है, तो दो बेसिकली यहाँ पे व्हाइट लेवल ATM में यही चीज आपको समझने की जरूरत है कि ये नॉन बैंकिंग एंटिटी के द्वारा रन किया जाता है, एंड यहाँ पे एक या एक से ज्यादा स्पॉन्सर बैंक हो सकता है जो कि कैश मैनेजमेंट में अकॉर्डिंगली उनकी हेल्प करेगा, राइट। और ये पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आ जाता है, ये भी आ जाता है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर, राइट। तो ये था व्हाइट लेवल ATM। देखो एक ना साथ ही साथ ना कुछ RBI के द्वारा ही ना ये एंटिटीज बताई जाती हैं कि अच्छा आप खोल सकते हो, जैसे आपका कल को मन करे कि मैं भी ATM खोल लूं, तो क्या आप खोल सकते हो? द आंसर इज नहीं, क्योंकि ये जो एंटिटीज है ना, जैसे टाटा वाले हो गए, इन्होंने RBI के थ्रू ना जाके एक तरह का लाइसेंस ले रखा है इन चीजों को खोलने का, ठीक है ना, कि हम इस तरह के ATMs खोलना चाहते हैं, तो एक तरह का लाइसेंस इन्होंने RBI से ले रखा है, तो यही चीजें इस तरह की कर सकते हैं। उसके साथ ही देखो एक ना ऑन टैप लाइसेंसिंग होती है, ठीक है, ऑन टैप लाइसेंसिंग समझने का मतलब करना, समझना लाइसेंसिंग का मतलब समझते हो आपको कि अच्छा इनको ना लाइसेंस मिलता है, जैसे टाटा वालों को लाइसेंस मिला। ऑन टैप का मतलब क्या होता है, जब इनकी मर्जी हो, ऑन अवर विश। मैं समझाता हूं कैसे। देखो मान लो आपको चाहिए लाइसेंस, ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि RBI नोटिफिकेशन दे और बोले कि जिसको किसी को ना लाइसेंस चाहिए वो क्या करे, वो जून 2022 से लेके जुलाई 2022 के बीच में हमारे पास आए और बोले कि हमें बेसिकली लाइसेंस चाहिए। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है ऑन टैप लाइसेंसिंग,
ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब कि जब टाटा वालों का मन करे ये जाएं, मान लो कि आज कोई भी डेट हो, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं है आरबीआई के द्वारा, इन्होंने जब मन किया तब जाके ये डायरेक्टली आरबीआई को अप्रोच करेंगे और बोलेंगे कि हमें लाइसेंस दे दो, इस चीज़ को बोलते हैं ऑन टैप लाइसेंसिंग। अगर नहीं समझ आया सिंपली ना, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आप ना आईएएस बनना चाहते हो, ठीक है, आप सारे आईएएस बनना चाहते हो, ठीक है। अब होता क्या है, आईएएस के अंदर क्या होता है, यूपीएससी हर साल एक नोटिफिकेशन निकालता है मार्च के महीने में अप्रॉक्सीमेटली, कि जिन लोगों को आईएएस बनना है ना वो ये फॉर्म फिल करो, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम होगा उनका, एंड जो एग्जाम ये क्लियर कर लेंगे वो आईएएस बन जाएंगे। यही तरीका होता है। यहाँ पे देखो यूपीएससी ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन दिया, ठीक है जी। अब एक तो केस ये हो गया, एक केस ऐसा सोचो कि यूपीएससी ऐसा कुछ ना करे, नोटिफिकेशन ना निकाले, आपका मन है आईएएस बनने का, आप अप्रोच करो यूपीएससी को, भैया कि मेरा एग्जाम ले लो, जब आपका मेरा आप एग्जाम लो, एंड इस एग्जाम के बेसिस पे अगर मैं एग्जाम क्लियर कर लेता हूँ तब आप मुझे इस चीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे आईएएस बना देना, ठीक है। तो अगर ये दूसरा तरीका होता है ना, जब मैं यूपीएससी के अप्रोच कर रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ कि मुझे आईएएस बनना है तो मेरा एग्जाम लो, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑन टैप। इसी तरह से यहाँ पे जब एटीएम वालों का है, जब वाइट लेबल वालों का, जब इनका मन करेगा, जिस दिन टाटा वालों का मन करेगा, ये डायरेक्टली जाके आरबीआई के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमें लाइसेंस चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑन टैप लाइसेंसिंग। और ये आरबीआई ने अब अलाउ कर दी है कि डायरेक्टली दे कैन अप्रोच आरबीआई फॉर गेटिंग द लाइसेंस, ठीक है। तो व्हाइट लेबल एटीएम समझ आ गया, जहां पे जो एटीएम है वो नॉन बैंकिंग एंटिटी के द्वारा अप्रोच किए जाते हैं। ये दरअसल ना ऑन टैप लाइसेंसिंग वाला ना पिछले एक डेढ़ साल में ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के साथ ही रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा ये डिस्कस करना चाहता था। उसके साथ ही देखो एक होते हैं ब्राउन लेबल एटीएम। अब ब्राउन लेबल एटीएम पता क्या होता है कि देखो ये जो एटीएम है ये तो आईसीआईसीआई का ही है, ठीक है ना, तो बैंक का ही एटीएम है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस होंगे, जैसे कि यहाँ पे इस एटीएम के कॉरस्पॉन्डिंग कौन गार्ड कौन हो खड़ेगा, ठीक है ना, ये कैश रिफिलिंग का ट्रक किस तरह से काम करेगा, ये सारे के सारे चीज़ें आउटसोर्स कर दी जाती हैं किसी थर्ड पार्टी को। समझ आया कि एटीएम तो सर बैंक का ही है, पर वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशंस कंडक्ट होंगे वो बैंक नहीं करेगा, वो करेगी कोई थर्ड पार्टी, उस चीज़ को क्या बोल देंगे, ब्राउन लेबल एटीएम। तो बस ये फर्क ध्यान रखना कि व्हाइट लेबल एटीएम क्या होते हैं एंड ब्राउन लेबल क्या होते हैं, काफी बार यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है। व्हाइट लेबल के अंदर ओनरशिप जो होती है वो थर्ड पार्टी के पास होती है, जब ब्राउन लेबल के अंदर वो बैंक के पास ही ओनरशिप उसकी होती है, राइट। आगे देखो बाकी टाइप के जो एटीएम्स हमने थोड़े से नाम जिक्र किए थे, जैसे अगर ऑरेंज लेबल एटीएम का जिक्र आए तो ये पर्टिकुलर एटीएम जो होता है वहां पे शेयर्स को ट्रांजैक्ट किया जाता है। ग्रीन लेबल एटीएम के अंदर एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शंस होती हैं, येलो लेबल एटीएम के अंदर ई कॉमर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं, पिंक लेबल के अंदर वुमेन बैंकिंग, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कहाँ पर होती हैं कैसे होती हैं, हमारे स्कोप से बाहर है, बस सिंपली मैंने आपको इतना सा बता दिया ताकि अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस इतना पता हो कि अच्छा ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, दैट विल बी ऑल, इससे ज़्यादा यूपीएससी हमसे नहीं पूछेगा। उसी के साथ देखो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि यूपीएससी 2016 में हमारे से ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या टर्म कोर बैंकिंग सोल्यूशन इज सीन इन द न्यूज़, ये किससे रिलेटेड टर्म है। वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो आंसर करने की। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेस विच अनेबल्स कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट, क्या ये मतलब होता है। दूसरा, ये आरबीआई का कंट्रोल बढ़ाता है ओवर कमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन। तीसरा, ये एक तरह का प्रोसीजर है जिसके अंदर एनपीएस जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के, वो किसी और बैंक के द्वारा ले लिए जाते हैं, क्या लगता है कौन सा ठीक है। देखो सिंपल सा चीज़ है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन में क्या पढ़ा था, ये जो स्टेटमेंट वन है यही तो पढ़ी थी कि जो बैंक की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं ताकि कस्टमर्स हैं वो एक ब्रांच के जब भी वो कहीं पे अपना अकाउंट को ऑपरेट करवाना चाहें वो किसी और जगह करा के भी कर सकते हैं, तो वन तो बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से देखो स्टेटमेंट थ्री पढ़ो, ये एक तरह का प्रोसीजर है जहां पर एनपीएस जो होते हैं वो दूसरे बैंक को लिया जा सकता है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एनपीए यहाँ से एक पर्टिकुलर बैंक दूसरे को अगर देना चाहे वो सीबीएसई के थ्रू थोड़ी ना होगा। सीबीएसई के थ्रू क्या होता है, सीबीएसई के थ्रू तो आपस में जो डिफरेंट बैंक की ब्रांचेज होती हैं वो आपस में एक तरह से जो बैंक की डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं, तो ये थ्री भी गलत है। थ्री गलत हुआ तो अकॉर्डिंगली हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ गया ऑप्शन ए, वन ओनली, ठीक है। ये सेकंड भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि आरबीआई कंट्रोल बढ़ा रहा है थ्रू सीबीएस, ऐसा नहीं है। बस इसमें कंप्यूटराइजेशन डेफिनेटली होती है, पर वो होती है ताकि बैंक की जो डिफरेंट ब्रांचेस है वो उसको आपस में कनेक्ट किया जा पाए।
उसके अलावा देखो ये 2016 का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, वन ओनली। साथ ही साथ देखो 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ATMs इन इंडिया, जो ATMs होते हैं वो किसके द्वारा आपस में लिंक किए जाते हैं, क्या IBA है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, क्या NSDL है दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, या NPCI है या RBI है, बताओ मुझे। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैंने जैसे आपको NPCI के जब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई थी ना, तब मैंने आपको वहाँ पे NFS के बारे में बताया था, दैट इज़ नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो ये नेशनल फाइनेंशियल स्विच का काम क्या है, यही तो है कि जो डिफरेंट ATMs हैं वो आपस में एक तरह का शेयर नेटवर्क बन जाता है, और ये किया जाता है NPCI के द्वारा। आप देखो कन्फ्यूज हो सकते थे, ऑप्शन देखो कैसे बनाए UPSC ने, UPSC ने हमें RBI दिया, यहाँ पे दिया IBA, यहाँ दिया NPCI, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कन्फ्यूजन का स्कोप था, बट हमने तो अच्छे से पढ़ा है ना कि NPCI NFS करता है और NFS ATM के हमें आपस में लिंक करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये भी ध्यान रखना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये मिलके क्या बनता है, ये मिलके बनता है NPCI, जो कि सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसको फाउंड किया गया था 2008 में अंडर जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपके सामने UPSC डेफिनेटली प्रेजेंट करेगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अकॉर्डिंगली आपको उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी डेफिनेटली होनी ही चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखो हमने NPCI शुरू कर लिया है, कुछ कुछ फंक्शन देख लिए हैं, आने वाले लेक्चर के अंदर हम ना बैंकिंग के और भी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार हम NPCI को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि ना रुपी हमें पढ़ना है, रुपए जो कार्ड होता है, UPI पढ़ना है, ठीक है ना, भीम पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा इनके रिगार्डिंग थोड़ा बेसिक जानेंगे इन सभी चीज़ों के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर हम बैंकिंग के जो फर्दर एस्पेक्ट्स हैं, जो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं बैंकिंग के, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ना बैंक्स RBI के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, वो फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम कर लेंगे। एक चीज़ देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि सर मेंस के भी ना क्वेश्चंस आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हम जैसे प्रीलिम्स का तो थोड़ा थोड़ा हर लेक्चर में पढ़ते ही रहते हैं कि किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, या फिर हमारी नॉलेज किस हिसाब से UPSC के लेवल की है या नहीं है, ये सारी चीज़ें तो हम चेक कर ही रहे हैं, बट उसके साथ ही साथ हम मेंस की प्रैक्टिस भी करें। बट हुआ एक्चुअल में है क्या कि ये बिल्कुल ना बेसिक चैप्टर्स हैं, जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं ना, दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड लेस इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। तो एक बार हम ये इस टाइप के चैप्टर्स पढ़ लें जो प्रीलिम्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, फिर जब आने वाले लेक्चर्स के अंदर ना, जैसे 2-3 लेक्चर्स के अंदर, तब हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स आने लग जाएंगे जो मेंस में पूछे जा सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, तब हर लेक्चर के अंदर एटलीस्ट एक क्वेश्चन मेंस का लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या आंसर लिख सकते हैं या कैसा हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मेंस के क्वेश्चन अगले 2-3 लेक्चर के बाद शुरू हो जाएंगे, जब मेन स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं वो अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट वाले जो टॉपिक्स हैं मेन स्पेसिफिक वो सामने हमारे आने लग जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए, हमने देखो 4-5 लेक्चर, अब तो 5 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप इनको क्विकली रिवाइज भी कर सकते हो। होता क्या है कि बाद में ना अचानक से सिलेबस जब बढ़ने लग जाता है तो कई बार हमारी रिवीजन पीछे छूट जाती है, बट आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहना है। फिर जैसे 5-5 लेक्चर मान लो होते गए, फिर क्विकली वीकली फॉर्म में आपको उनको एक बार रिवाइज कर लेना है, ताकि कभी ऐसा ना लगे कि आप सिलेबस से अचानक कट ऑफ हो जाओ, ठीक है ना। काफ़ी सारे लेक्चर्स आएंगे आने वाले दिनों के अंदर भी, तो पीछे वाले लेक्चर भूलते ना जाओ, इसलिए ज़रूरी क्या है कि आप उनको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहो, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।